अगर ड्रॉपआउट नहीं भी होता है, बहुत सारे बहुत कम ड्रॉपआउट होता है, ये पूरे 5 साल अधूरे मन से ये लोग एमबीबीएस की हाँ होते हैं, वो अच्छी चीज है कि आप अपने लिए अच्छा सोचें, लेकिन एक कोर्स में रहते हुए दूसरी तरफ देखना और इसमें अपने माइंड को इन्वेस्ट नहीं करना, जिसकी वजह अच्छा से ज्यादातर ये देखा गया है कि बच्चों में पास आउट करने के बाद वो जो एक्सपेक्टेड यूनानी को समझ है वो डेवलप नहीं हो पाती है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम डिफरेंट यूनानी की जो पर्सनालिटीज हैं, एमिनेंट स्कॉलर्स हैं, टॉप के इंस्टीट्यूट हैं, वो जो सारे सब्जेक्ट से जुड़े उनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे उनको सुने और इंस्पायर करें कि यूनानी में कितना कैरियर है और कितनी डाइवर्सिटी है इन कंपेरिजन टू अदर कोर्सेज जिसको वो ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। इसी के थ्रू सर को जहमत दी गई है। डियर स्टूडेंट, आज जो आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर आना है, प्रोफेसर सैयद शाह आलम साहब हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के एचओडी हैं। आपका करियर बहुत शानदार रहा है इस मामले में कि ना कि सिर्फ आप कोर्स से रिलेटेड लोगों को बच्चों को पढ़ा पाते हैं, आप एक बेहतरीन मोटिवेटर भी हैं और आपका जो एक आपकी जो एक्सपर्टीज है अपने सब्जेक्ट के अलावा वो है एक्सपेंशन ऑफ यूनानी। आपकी कोशिशों की वजह से बहुत चीजें यूनानी में ऐड हुई हैं। कितने ज्यादा कोर्सेज सब कोर्सेज खोले जा सकते हैं यूनानी में, उसको किस तरह से जॉब ओरिएंटेड बनाया जा सकता है, कितना टेक्निकल हैंडफुल हो सके यूनानी के बच्चों के लिए, एक इंस्टीट्यूट को किस तरह से और ग्रो कर सकें, उसमें बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज और जो कोर्स चल रहा है उसमें और कितने शार्पन कर सकते हैं उन कोर्सेज को, ये सर का मोटिव रहा है कि मैं जब बैंगलोर से निकल रहा था तो सर ने ये बात मुझे कही थी कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट से जुड़ना है आप कोशिश करें कि उसको स्ट्रेंथ करें, उस इंस्टीट्यूट में ज्यादा से ज्यादा आप रिसोर्सेज डेवलप करें, ह्यूमन रिसोर्सेज की चीजें बढ़ाएं ताकि जो ये यूनानी फैमिली जो एक्सपेंड कर रही है दिनों दिन हमारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट निकल रहे हैं उनके लिए ज्यादा मौके हो। मैं समझता हूँ कि आप लोग आज इस लेक्चर में जो उनका टॉपिक है सर्जरी यूनानी उस पर लेक्चर देंगे, उसके अलावा भी सर से जो क्वेश्चंस होंगे 1 से 2 घंटा है आपके पास। फर्स्ट हाफ में आज हमारा यही लेक्चर है, उसके बाद आखिर में आप जितना सवाल पूछ सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ सर सारे सवाल आपके जवाब देंगे। सर इस इंस्टीट्यूट की तरफ से, बच्चों की तरफ से और मैं खुद आपको मशकूर हूँ आपका कि आप तशरीफ लाए। आया कि आप थोड़ी देर वेट भी करना पड़ा आपको, लेकिन माजरत के साथ मैं आपको दावत देता हूं कि ये जो अगला 1 से 2 घंटा है वो आपका है। स्पेस इज योर्स नाउ सर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और बड़ी खुशी हुई कि आपने इस मौके पर हमें याद किया, और मेरी कोशिश होगी जो बच्चे हैं उनको इस बात को समझाने की सर्जरी का क्या रोल है यूनानी में, और किस तरह से सर्जरी एक ज़माने में यूनानी में एक सर्जरी का एक मतलब बूम था, और उसके बाद किस तरह से हम पीछे गए और किस तरह से अब फिर शुरुआत हुई है। और सर्जरी कैसी ऐसा मतलब सब्जेक्ट है कि जिसमें हमें रोजगार ढूंढना नहीं होता है। इसमें रोजगार भी है, पैसे भी हैं, इज्जत भी है, फेम भी है, शोहरत भी है, हर चीज इसमें जो है वो मौजूद है। तो अगर हम बात करें कि सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर्जरी है क्या, व्हाट इज सर्जरी, सर्जरी कहते किसे हैं, किस तरह से हम पहले हमें समझना होगा इस बात को कि सर्जरी है क्या। पहली चीज उसके पहले समझना होगा मेडिसिन क्या है। तो मेडिसिन इज एन आर्ट ऑफ हीलिंग। मेडिसिन क्या एक आर्ट ऑफ हीलिंग है, किस तरह से हम किसी भी डिजीज पर्सन को हेल्दी लाइफ की तरफ ले जाएं, ये कहा गया उसको आर्ट ऑफ हीलिंग। लेकिन सर्जरी के बारे में अगर डिफाइन किया, सर्जरी का सर्जरी इज आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ हीलिंग। सर्जरी क्या है कि आर्ट भी है और साइंस भी है। अगर हम सर्जरी से दूर होते हैं तो हम सिर्फ आर्ट की तरफ जाते हैं, हम साइंस को भूल जाते हैं। और आज के जमाने में बगैर साइंस के हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी रोजमर्रा की आगे की बढ़ने की चीजें हैं, बेकार। इसीलिए इसका रोल हमारे इस पैथी में भी, किसी भी प्रोफेशन में, खास से मेडिसिन प्रोफेशन में, अगर विदाउट सर्जरी हम कहीं वर्कआउट कर रहे हैं तो दैट मींस कि हम हाफ नॉलेज लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम हाफ नॉलेज ना लें, हम अपने बच्चों को पूरी नॉलेज दें, पूरी चीजें करें। और इसका बड़ा मकाम रहा है तब जब हम उस जमाने में थे कि जिस जमाने में सर्जरी और तिब एक बूम पर थी और काफी ज्यादा उसमें चीजें थी। अब अगर हम अपने को और इम्फेसिस करें कि सर्जरी में किस तरह से हम डील करते हैं, किस तरह से हम सर्जरी की बात करते हैं, जैसे कि आपके यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उसकी डेफिनेशन भी लिखी होगी कि इसमें एक फिजिकल मैनिपुलेशन करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के साथ, टू डायग्नोस, टू प्रिवेंट एंड क्योर द एलिमेंट, उसी भी चीज को डायग्नोस करने के लिए, उसके बाद किस तरह से क्योर करना है। जहाँ पास मेडिसिन आजिज हो जाती है, जहाँ पास मेडिसिन का रोल खत्म हो जाता है, तो इस कई कैटेगराइज होती है कि हम कई तरीकों से इलाज कर सकते हैं सर्जरी में भी, और उसमें हम दवा के जरिए भी जो सर्जिकल डिजीज कहलाते हैं उसको दवा इलाज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल ट्रीटमेंट कर सकते हैं,
और इसको हम अम्ल दस्तकारी या अम्लीयत के जरिए भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सर्जिकल डिजीज को किस तरह से हमें सिलेक्शन करना है। अभी तक बात करें तो हम यूनानी मेडिसिन में जो इलाज की कंडीशंस रही हैं अभी तक जो होता आ रहा है, वो जो किताबों में दस्तियाब है कि इन तरीकों से इलाज किए जाते हैं, उसमें आपने देखा होगा इलाज बिल गिज़ा है, इलाज बिल तदबीर है, इलाज बिल दवा है, और हमारा टॉपिक होगा इलाज बिल यद या सर्जरी के जरिए। लेकिन अगर हम बात करें तो इलाज बिल गिज़ा आज हम लगभग भूल चुके हैं, लगभग हम गिज़ा के जरिए इलाज नहीं करते हैं और ये टॉपिक हमसे जाता रहा है। आज हमारे लोगों को, हम लोगों को भी नहीं पता होता कि भाई जैदुल कैमूस क्या है, रदियुल कैमूस गिज़ा किसे कहते हैं, और किस तरह से मरीज को, मतलब मोर देन 26 टाइप ऑफ डाइट है जो जानी में डिस्क्राइब है, वो हम अपने यहाँ पेशेंट को आईपीडी या ओपीडी में डिस्क्राइब नहीं करते हैं। दैट मीन्स हम इस जो इल्म है इसको भी हम खोते हुए देख रहे हैं। इलाज भी तदबीर की बात करें तो बड़ी खुशी की बात है कि धीरे धीरे ये हमारी प्रोफेशन में आया। आज से अगर हम 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो तदबीर हमसे गायब था। इलाज बिल दवा सिर्फ एक चीज ही ऐसी रही कि जिस पे लोग कायम रहे और आज तक चलता रहा, लेकिन कोई ग्रोथ या डेवलपमेंट इस पे नहीं हो सका। अगर हम इलाज बिलियत, जो मेरा आज का टॉपिक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इलाज बिलियत सर्जरी, सर्जरी में हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। जो भी किया हमारे पुराने स्कॉलर्स ने किया, जो सर्जिकल स्कॉलर्स थे, उनके जरिए चीजें हम तक आई, हम तक पहुंची। या और अगर सर्जरी की इर्तका की बात करें तो सर्जरी की जो बुनियाद पड़ी है, सबसे पहले मेडिसिन नहीं आई दुनिया में, सबसे पहले सर्जरी आई। इवन दुनिया बनने से पहले भी सबसे पहले सर्जरी हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली को चाक करके हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, सबसे पहले सर्जरी जो अर्श पे हुई, दुनिया में भी नहीं हुई। तो पहले मेडिसिन नहीं आई, पहले सर्जरी आई। तो सर्जरी को आने के बाद दुनिया में जब आए तो दुनिया में खाने पीने की बीमारियां नहीं थी, खाने पीने की दिक्कत थी। खाने पीने की दिक्कत हुई, जंगलों में जानवर थे, शेर थे, शिकार थे, जानवर थे, वो चीरफाड़ करते थे, और उसके बाद लड़ाइयाँ हुई, और जो जख्म थे, जख्म का इलाज शुरू हुआ। जख्म के इलाज से दैट में सबसे पहले जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वो सर्जरी। और सर्जरी के डेवलपमेंट के स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे जैसे आबादियां बढ़ी और बीमारियां बढ़ी और फिर मेडिसिन और बाकी चीजों का रोल। तो अगर एंशंट हम बात करें, पुरानी बात करें, तो हम अपने यहाँ जो यूनानी जो तारीख मिलती है, जो उनमें चीजें हैं, टाइप ऑफ सर्जरी, जनरल सर्जरी है, टाटो सर्जरी है, ऑफ सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, लेप्रो सर्जरी, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज जो हैं वो हुआ करते हैं। इसके अलावा बहुत सी सर्जरीज हैं जिसका नाम लेना यहाँ जरूरी नहीं है। अगर हम इब्न सीना की बात करें तो उन्होंने इंट्यूबेशन की, आमतौर से हम यूनानी में समझते हैं कि एनास्थीसिया तो यूनानी में है ही नहीं, सर्जरी तो यूनानी में है ही नहीं, ये इसका पार्ट ही नहीं है। और खाली हम ही नहीं बल्कि हमारे जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, जो लोग हैं जो पोस्टों में बैठे हुए, आज भी उनका ये मानना है कि सर्जरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनानी, बट इस सर्जरी इज ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ यूनानी अगर इसको हम देखें। क्योंकि सर्जरी जो मॉडर्न की सर्जरी है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम यूनान। हमने गिफ्ट में दे दिया, हमने कुछ किया ही नहीं, हमने गिफ्ट में दे दिया कि तुम करो, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करना, हम तो मानते ही नहीं ये मेरा पार्ट है। तो यहाँ हम इसकी बात करें, अगर हम अपने लीजेंड्स की बात करें जिन्होंने सर्जरी में एक बड़ा काम किया और करके चले गए, आज हमने उसको आगे नहीं बढ़ाया। किसी भी पैथी या किसी भी एरा या किसी भी सिस्टम या किसी भी चीज की ग्रोथ का दारोमदार इस बात पे होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें एक स्टेडी ग्रोथ होना चाहिए, उसमें डेवलपमेंट आना चाहिए, उसमें इनोवेशन आना चाहिए, उसमें आइडियाज आना चाहिए, उसमें डायनेमिसिटी होना चाहिए, उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए। एक टाइप ऑफ चीजें जब तक नहीं होंगी और डेली बाय डेली उसमें आइडियाज और इनोवेशन अगर नहीं होंगे तो वो दम तोड़ देगी, वो खत्म हो जाएगी और दूसरे उस पर काबिज हो जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। और यही हुआ हमारी यूनानी सर्जरी। तो बहुत से नाम है, एक लिस्ट है, हंड्रेड्स ऑफ लिस्ट है, लेकिन उसमें जो खास खास नाम है उसमें हम जहाँ जिनके नाम आप आमतौर से पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, बुखरात है, अलीमूस है, जोहर है, इब्न कुफ है, इब्न अब्बास मजूसी हैं, सीना हैं, जकरिया राजी हैं, अबुल कासिम जुहरावी हैं। अगर हम बुखरात की बात करें कि इन्होंने सिर्फ सर्जरी पे क्या काम किया, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी और इन्होंने इनकी 6 बुक्स के जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ सर्जरी को लेके है। उसमें जो सबसे मशहूर किताब है वो किताब अल कसर जबर है, जो ऑर्थोपेडिक्स पर पूरी डिवोटेड है। इसके बाद इन्होंने इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ शोल्डर पार्ट्स स्पाइन, इसके बाद इन्होंने जो सबसे अहम चीज है, इन्होंने ऑर्थोपेडिक्स में एक उसूल दिया कि फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट है रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन है, जो आज टिल डेट वो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हम नहीं जानते। वो यूरोपियन वाले उसको लेके और उस उसूल पे आगे बढ़े, उन्होंने उस पर ऑर्थोपेडिक्स को अपने नाम से पेटेंट कराया, बाकी चीजें की। इसी तरह से अगर एप्सेस हो तो उसके ट्रीटमेंट के उन्होंने उसूल बताया कि इंसिजन एंड ड्रेनेज। इसका सिर्फ एक ही उसूल हो सकता है कि उसका शगाफ लगाया जाए, पस निकाल दीजिए, लेकिन हम अपनी ही चीजों को भूल चुके हैं। तो इसलिए किसी चीज की बका के लिए जरूरत यह भी है कि हमने किया क्या है और हुआ क्या है और हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों पर इसका दारोमदार होता है। अब आप देखिए इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ट्रामा सर्जरी पे है, बोन सर्जरी पे है, फ्रैक्चर पे है, ज्वाइंट पे है, ग्राफ्ट पे है,
इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी पे है, इस पे इनकी ट्रिटीज हैं, बुक्स में इनके डिस्क्रिप्शन हैं, बुंड इन द हेड्स पर है, सोर्स पर है, टिश्यू सर्जरीज पे है, नॉन ट्रामेटिक सर्जरीज पे, हेमराइड, फिस्टुला, बोन सर्जरी, गायनिकोलॉजिकल सर्जरी, इवन एक्सट्रैक्शन ऑफ डेड फीटस, एबॉर्शन, इन सब पे इनका एक रोल बड़ा रहा है। इन्होंने इनके जमाने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में यहाँ कुछ तो आप देख रहे होंगे लगा हुआ है। इन्होंने ये बताया कि कॉटरी को यूज कैसे करना है, हेमराइड डिजीज में किस तरह एक्सरसाइज करना है कॉटरी के जरिए, और लाइगेशन ऑफ हेमराइड के बारे में इन्होंने बताया, यानी हेमराइडेक्टमी। आज हम कहते हैं कि यूनानी में कहाँ हेमराइडेक्टमी, यूनानी में तो आप जो है कुछ यूनानी सर्जरी बताइए, व्हाट इज यूनानी सर्जरी, तो लोग ये नहीं समझते कि सर्जरी एक आर्ट है, सर्जरी इज नॉट ए पैथी, सर्जरी एक आर्ट है, और आर्ट या स्किल किसी की मीरास नहीं है, मीरास एक पैथी हो सकती है, पैथी मीन्स मेडिसिन, एंड जो मेडिसिन का रोल है वो उसमें क्या है वो आगे चल के उसकी बात हो। लुब्रिकेंट्स की बात की, इन्होंने बुनियाद रखी इंडोस्कोपी की, पहले ये शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इंटरनली देखने की कोशिश की, और उसी की बुनियाद पे यानी उन्होंने एनोस्कोप बनाया और एनल और रेक्टम को विजुलाइज करने के एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसके जरिए वो वहां की बीमारियों को देख। और आज की बात नहीं, ये हजारों साल पहले की बात है, और उसके बाद उसी को बुनियाद बना के बुकरात, इस तरह से इन्होंने जो हिप्पोक्रेटिक ओथ भी आज तक राइज है, इस तरह से मरीज को देखते थे। अब ये देखिए, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जरी का ये चैनल है और वो इसको एक्नॉलेज करते हैं, जबकि हम इससे जो है दूर भागते हैं। वो कहते हैं कि इजिप्शियंस ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल ऑरिफिसेस, वो इसके बारे में बाकायदा से वो जानते थे और इसके इस्तेमाल को जानते थे, इस बीमारियों को डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे इलाज कर सकते हैं, उनमें कैसे देखा जा सकता है सबसे पहले। फिर 19 सेंचुरी में जो है उस ऑरिफिस में जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाए थे उसमें लाइट सोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां से रिवोल्यूशन आया इंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी और बाकी चीजों का। ये इन्होंने एनोस्कोप बनाया था, जो एनोस्कोप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जरी इसको एक्नोलेज कर रहा है कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लेप्रोस्कोप उस पे देता है अपने चैनल पे। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ इंडोस्कोपी डेट्स बैक ऑफ हिप्पोक्रेटिक टाइम। In the manuscript, there is a detail of rectum examination of the speculum in case of intestinal obstruction. He injected large quantity of air into the anus and suppositories, etc. तो ये छोटी सी बात थी सिर्फ बुखरात की, क्योंकि टाइम कम रहेगा हमारे पास, तो इसमें हम बहुत ही शॉर्ट में सारी चीजें लेके चलेंगे, बाकी में फिर हम डिटेल बात करेंगे। तो जालीनूस की अगर हम बात करें, तो जालीनूस ने एक रिवोल्यूशन लाए सर्जरी में, और उसकी वजह थी कि एनाटॉमी के बारे में उन्होंने जानकारी। अगर एनाटॉमी नहीं पता है तो कोई भी आदमी अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। अगर आपको एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी और उसकी पैथोलॉजी, और एनाटॉमी उसका दारोमदार, उसका पिलर है किसी भी सर्जरी के लिए, जराहत के लिए, तो ये एक्सपर्ट थे एनाटॉमी में, ये एनाटॉमी में एक्सपर्ट थे, और इन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया जराहत को किस तरह से इसको, क्योंकि एनाटॉमी में पता होगा ऑर्गन कहाँ है, साइट कहाँ है, उसकी वेसल्स कहाँ है, उसका नर्व कहाँ है, क्या चीज इंजरी करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, उसकी प्रोग्नोसिस कैसी होगी, इन सब चीज को उस जमाने में सोचा इन्होंने। बड़े साइंटिफिक थे और इन्होंने उसके बारे में बताया, इन्होंने ड्रेसिंग ऑफ वुंड के बारे में बताया, इवन अप्लाइड एनाटॉमी के बताया, सरफेस मार्किंग के जरिए किस तरह से हम अप्लाइड एनाटॉमी को जान सकते हैं कि वो एनाटॉमी जो है तो इसके नीचे कौन ऑर्गन किस लेवल पे कहाँ होगा। इन्होंने फ्लो ऑफ यूरिन को बताया कि ये यूनिडायरेक्शनल होगा, किस तरह किडनी में फ्लो करता है, यूरेटर में किस तरह पास होता है, और एनिमल पे ये सारी चीजें डिसेक्शंस किया, वहां से इन्होंने डायफ्राम का रोल बताया रेस्पिरेशन में क्या है, और एक बहुत जो इंपॉर्टेंट काम किया वो काम किया कि इन्होंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसको अनकवर्ड करके बताया कि इनका रोल पेन के लिए है, और जिसकी वजह से ये हमारी सर्जरी में एक रिवोल्यूशन आया और एनास्थीसिया का एक दौर शुरू, किस तरह इसको हम एनास्थेटाइज कर सकते हैं, किस तरह इसको हम पेनलेस कर सकते हैं, और उसके बाद हम किसी भी, जबकि इतना ज्यादा अभी एनास्थीसिया की बिगनिंग भी नहीं थी, लेकिन ये सोचा गया कि इसी की बुनियाद बना के आगे लोगों ने फिर काम। इन्होंने मसल का अरेंजमेंट बताया कि मसल से लॉन्गिट्यूडनल अरेंज होती है, ट्रांसवर्स अरेंज होती है, बाकी चीजों की बात। अगर अब इब्न ज़ुहर की बात, इनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है, बहुत भारी कंट्रीब्यूशन है इनका। इन्होंने जैसे अभी मैंने जिक्र किया था कि सर्जिकल डिजीज के बारे में इनकी जो किताब है, उन्होंने तीन कैटेगरी में इसमें जिक्र किया कि तीन कैटेगरी में इसको जो है मैनेज करना चाहिए। तो फर्स्ट कैटेगरी में बताया कि सर्जिकल डिजीज, जैसे एक आपको हम एग्जाम्पल दें, जैसे पाइल्स है, पाइल्स इज नॉट ए मेडिसिनल डिजीज, इज टोटली सर्जिकल डिजीज। क्यों? अब कोई भी आदमी सवाल कर सकता था, मैं भी पाइल्स का इलाज कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि नोबडी कैन एग्जामिन इन द ओपीडी विद द हेल्प ऑफ प्रोक्टोस्कोप और अदर थिंग अदर देन सर्जन। तो जब उसको आप एग्जामिन ही नहीं कर सकते, तो आप डायग्नोस नहीं कर सकते किस डिग्री का है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इंटर एक्सटर्नल है, किस टाइप का है, डिग्री क्या है, उसकी नीड क्या है, थ्रोम्बोज्ड है, कैसा है, इन्फ्लेम्ड है, तो उसका ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते।
तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, स्टेजेस के अकॉर्डिंग उनकी मेडिसिन के जरिए हम ट्रीट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के जरिए ट्रीट कर सकते हैं, या फिर सर्जरी के जरिए ट्रीट। तो इन्होंने तीन कैटेगरी बताई कि बहुत सी डिजीज ऐसी हैं जो मेडिसिनल हैं और उनको हम मेडिसिन ट्रीट कर सकते हैं, जो सर्जिकल डिजीज है लेकिन मेडिसिन के जरिए उनको हम ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्जन। बहुत सी डिजीज ऐसी हैं जिस जो सर्जिकल डिजीज है जिसमें मेडिसिन का रिक्वायरमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेशन या अलॉन्ग विद द मेडिसिन हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे एपिस्टेक्सिस की बात ले लिए, ब्लैडर वजाइनल इन्फेक्शन की बात ले लिए, रिटेंशन ऑफ यूरिन की बात ले, इन्होंने अपनी किताब में डिस्क्राइब किया। अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें, यहाँ कहते हैं नहीं, यहाँ मेडिसिन का कोई रोल नहीं, देर इज नो रोल ऑफ मेडिसिन, यहाँ सिर्फ सर्जरी की ही बात होगी। जैसे पायोनियर्स डिजीज है, हिस्टेक्टोमी है, थेरेपी या ट्रिकियोस्टोमी है, हर्नियाज है, यहाँ मेडिसिन से हर्निया नहीं ठीक हो सकता। तो ये किसने बताया था? इब्ने जोहर ने। लेकिन आज हम इब्ने जोहर के बारे में कुछ नहीं जानते, आज बहुत लोगों को नाम नहीं पता, जिसको पता भी है तो समझता है कोई थे, उन्होंने कोई किताब जो है लिखी थी और बस ऐसे थे, आए और चले गए। इब्नुल कुफ, इब्नुल कुफ अल मसीही, अगर हम इनकी बात करें, किताब उलमदा फिल जराहत, इनकी बड़ी एक मशहूर ट्रीटीज है, किताब है, उसमें ये इन्होंने पहला कंसेप्ट दिया बाकायदा, एक राइटिंग में इनकी किताब आई और जिसमें इन्होंने कंसेप्ट दिया कि एनास्थीसिया कंसेप्ट, पहला जो एनास्थीसिया का जो स्टेप रखा गया। एनास्थीसिया तो पहले भी था, जिसमें लुफा यबरू जो बाकी दवाओं का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल, बाकी का इस्तेमाल हो रहा है, होता था, सॉरी होता था, और इन्होंने आने के बाद उसमें एक रिवोल्यूशन लाया कि इससे मरीज जो है वो पूरी तौर से पेनलेस नहीं होता। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया तबाई का, एक वर्ड यूज किया तबाई, कि एनास्थीसिया या एनास्थेटिस्ट जो है उसका नाम दिया, और वही नाम आज भी कायम है, एनास्थेटिस्ट, जो तबाई इन्होंने नाम दिया था एनास्थेटिस्ट। एनास्थेटिस्ट का रोल सर्जरी का नहीं है, वो सर्जरी नहीं कर सकता, एनास्थेटिस्ट का रोल है कि वो पेशेंट को मौजूद रहेगा जब तक सर्जन को पेनलेस सर्जरी ना कर ले, इनका एक रोल था। और इन्होंने इजाद किया और उसके एक नाम दिया का स्पोरिफिक स्पंजेस में इसने मल्टीपल बहुत सही हर्बल ड्रग्स को उन्होंने उसका जो शानदा बना किया उसको रख के, और उसके बारे में इन्होंने आगे चल के हम उसका डिस्क्रिप्शन बताएंगे, बहुत ही मामूली अभी निर्णय तक समझना कि इन्होंने एनास्थीसिया में स्पोरिफिक स्पंजेस यानी इनहेलेशनल एनास्थीसिया की बुनियाद डाली। एनास्थीसिया कई टाइप की होती है, इनहेलेशनल यानी सुंघा के बेहोश करना, जैसे कि आप एक नॉर्मल नाम जानते हो क्लोरोफॉर्म, ये इसी की बुनियाद पे आगे बना ईथर, तो ईथर बहुत ही कॉमन इनहेलेशनल एनास्थीसिया, हेलोथेन, सीरोफ्लोरेन, ये सब एक लंबी लिस्ट है उसकी, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस जो हमारे यूनानी असलाफ ने चीजें की और बाकी चीजें लाए। तो इन्होंने इनकी जो किताब में 20 चैप्टर्स हैं और डिफरेंट चैप्टर्स से डिफरेंट चीजें लिखी हुई, किसी में अरकान के बारे में, किसी में अखलाक के बारे में, किसी में, इन्होंने जो सबसे पहला कंसेप्ट दिया कि फिट फॉर सर्जरी, पेशेंट जो है वो फोर्थ चैप्टर में इनके लिखा हुआ है कि पेशेंट फिट फॉर सर्जरी कब कहलाएगा और किस बुनियाद पे उसको फिट डिक्लेयर करना चाहिए। आज हमें नासिसिया में जो आपको कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे कि उसमें बगैर एनास्थीसिया की फिटनेस के, प्री पीएसी होता है, प्री एनास्थेटिक चेकअप, बगैर एनास्थीसिया फिटनेस से कोई भी सर्जरी नहीं हो सकती, ये कंसेप्ट उनका दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने हिमेटोमा का कंसेप्ट दिया, किस तरह से हिमेटोमा होगा, हिमेटोमा का ट्रीटमेंट किस तरह किया सकता है, लाइपोमा का ट्रीटमेंट किस तरह किया जा सकता है। हम जो सर्जिकल बात कर रहे हैं, यहाँ सर्जिकल जिक्र इनके किस चैप्टर में, चैप्टर 8 में इन्होंने कार्सिनोमा का जिक्र किया। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि यह सिंगल ड्रग नेसेसरी फॉर ए सर्जन मस्ट टू नो, नहीं सर्जन को जरूरी है, 11 चैप्टर में दिया है कि हर सिंगल ड्रग के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। कंबाइंड ड्रग को इन्होंने काफी रोका है, और इसी तरह से इन्होंने जो डिजीज खून के जरिए होती है, बलगम के जरिए होती है, जॉन्डिस किस तरह होती है, लास्ट जो चैप्टर इनका 17 चैप्टर जो है वो डिसलोकेशन ऑफ बोन और उसके डिस्क्रिप्शन में है, कॉटरी पे डिटेल इन्होंने लिखा है 18 चैप्टर में, 19 कॉटरी में, जो आज भी पॉटरी के बारे में आज हम जो पढ़ते हैं या हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो हमको ये पढ़ाते हैं कि लोहा था, लोहा गर्म करते थे और लोहे जला देते थे, उसमें कोई लोहा रखता था, कोई सोने का रखता था, उससे करते, एक बुनियादी चीज तो बड़े साइंटिफिक थे, और उन्होंने किस तरह से कैंसर का ट्रीटमेंट करते थे, अल्सर का ट्रीटमेंट करते थे, हर्निया का ट्रीटमेंट किया करते थे। लेकिन आज इसी कार्टरी के बहुत सारे डिविजन हो गए, कार्टरी को ही इसी उसूल को बुनियाद बना के दूसरे लोग, हमने काम नहीं किया, हम उसी में शेखी में मस्त रह गए कि हमने बड़ा काम कर लिया, दूसरे लोग उस काम को बना के आज आगे निकल गए। और उन्होंने कॉटरी को डिफरेंट वर्जन में, आप देखिए आज इलेक्ट्रो कॉटरी है, मोनोपोलर कॉटरी है, बाइपोलर कॉटरी है, ब्लेंड कॉटरी है, हार्मोनिक है, अल्ट्रासोनिक कॉटरी है, रेडियो थेरेपी है, सबकी बुनियाद इसी अमले कई पर रखी गई, सबकी बुनियाद, सबका काम है टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना, बर्न करना, कोगुलेट करना, सभी की बुनियाद है। तो बुनियाद क्या बनी? कॉटरी अमले कई बनी, लेकिन हम कॉटरी तक महदूद रह गए, उसके आगे हमें बढ़े कि लोहा गर्म करके ही सेकना है। तो इंशाल्लाह हम लोग अब आगे चल के बात करें किस तरह कोशिशें हो रही है और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग,
अल्सर के बारे में बात की, 19 चैप्टर में एब्सेस के बारे में बातचीत की, इंसिजन किस तरह लगाते हैं, सरकमसिजन है, और लास्ट चैप्टर इनका फार्माकोपिया या कराबादीन पे है बहुत ज्यादा। और जो हम स्पोरिफिक स्पंजेस की बात कर रहे थे, उन्होंने एक ड्रग यूज की थी और जिसको जो इसमें इन्होंने ओपीएम था, मैंडार्क है, अजवाइन खुरासानी है, बेलाडोना है, कैनाबिस है, वाइल्ड लेट्यूस है, इनका जो शानदार इस्तेमाल करते थे और मरीज को बेहोश। जैसे मैंने आर्टिस्टिक एक फोटोग्राफ भी आपको दिखाया कि इस तरह एक तबली है जो स्पोरिफिक स्पंजेस एक मरीज के मुंह पे रखे हुए है, सर्जन अपना काम कर रहा है, सिस्टर नर्स का अलग है, नर्स का कंसेप्ट दिया इन्होंने कि ऑपरेशन के दौरान नर्स मौजूद है। अब अगर हम बात करें जो गोल्डन पीरियड था, जो गोल्डन एरा था, जो गोल्डन एक कहा जाए कि सभी लोगों ने काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस हुए वो हुए अबुल कासिम जहरा। अबुल कासिम जहरा भी, या इनको हम फादर ऑफ ऑपरेटिव सर्जरी कहें तो गलत नहीं होगा, और जिसको आजकल सब दूसरे लोगों ने अपना नाम दे दिया है, अपनी कॉपीराइट ले लिए हैं, जबकि एक्चुअल कॉपीराइट इनका है। आप देखिए इनकी जो वफात है 1013 की है, यानी मोर देन 1000 ईयर्स, मोर देन 1000, यानी 100 कुछ, 1000 कुछ साल हो गए इन्हें ये किताब लिखे हुए। इन्होंने किताब लिखी थी अल तशरीफ, आगे चल के हम उसका करेंगे। ये इनका पूरा नाम आपको दिख रहा होगा, अरब अरबियन थे और सुन्नी मुसलमान थे, ये कार्डोबा के रहने वाले, कार्डोबा में इनका वक्त गुजरा, स्पेन में गया थी कार्डोबा। तो इन्होंने जो काम किया, आप देखिए इनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या हैं, जो आप मतलब पढ़ नहीं सकते, इतने सारे कंट्रीब्यूशन हैं। आप 54 डिजीजेस इनको सिर्फ कॉटरी के जरिए ठीक किया करते थे, और ये पहले शख्स थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया, इंस्ट्रूमेंट को बनाया और इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज भी किया। यानी किसी भी चीज की तरक्की के लिए जरूरी है कि उसमें सारे हुनर मौजूद हो, तो इनको सारी चीजें मौजूद थी। खुद बनाते थे, खुद डिजाइन करते थे, खुद तैयार करते थे, खुद उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते थे और बताते थे ये इंस्ट्रूमेंट इस चीज के लिए ऐसे बेहतर होगा, ऐसे बेहतर हो। अब वो अल तशरीफ में वो इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, और इनकी जो इंस्ट्रूमेंट की तादाद है वो 220 से ज्यादा है, 220 से ज्यादा। कुछ किताब 283 भी इसको लिखती हैं कि 283 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इनकी जो ट्रीटीज हैं, उन ट्रीटीज में इन्होंने देखिए जो कुछ चीजें दी उनके मैंने यहाँ नाम ट्रांसलेट करके जो अरबिक में था, उर्दू में था, उसको अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि कॉटरी पे किन किन डिजाइनों का उन्होंने इस्तेमाल किया, और एक लिस्ट है, पढ़ने में काफी वक्त लगेगा। अबुल कासिम जरहावी का रीनल सर्जरी पे क्या रोल था, अबुल कासिम जरहावी का ENT सर्जरीज पे क्या रोल है, उनका जिक्र है नीचे, राइनाइटिस पे, ट्रांसलेप्टमी पे, फेरिंजाइटिस पे, लेनिंजाइटिस पे, ट्रेकियाइटिस पे, किडनी में देखिए तो किडनी डिजीज, रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिमूवल ऑफ कैलकुलस फ्रॉम द ब्लैडर, डेंटल सर्जरीज पे इनका बड़ा खासा कम रोल था। अबुल कासिम जरहावी फर्स्ट वो थे कि जिन्होंने जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ डेड फीटस किया और निकाला, और सबसे पहले बताया कि फॉर्सेप डिलीवरी का कंसेप्ट दिया कि फॉर्सेप से किस तरह से अब नॉर्मल डिलीवरी को डिलीवर किया जा सकता है, लेकिन हम आज उससे काफी दूर हैं। अदर सर्जरीज में हाइड्रोसील, इंटेस्टाइनल अल्सर, मैनेजमेंट ऑफ ट्यूमर, रिमूवल ऑफ लीचेस, अम्बिलिकल एनलार्जमेंट, मेनिनजाइटिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ, इसके अलावा इनका न्यूरो सर्जरी पे काफी काफी अच्छा रोल रहा है, इसके अलावा इनका स्किन ट्यूमर्स पे काफी रोल रहा है, इसके अलावा बहुत सी सर्जरीज हैं जिनको अगर खाली अगर इनके ऊपर बयान किया है तो कई घंटे भी कम होंगे कि इनके बारे में बताया जाए कि इन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। तो आपने देखा कि इनकी किताब का नाम है अल तशरीफ लेमन अजजन तालीफ, और अल तशरीफ के नाम से ये मशहूर हुई ये किताब, और ये करीब जो है 30 इंसाइक्लोपीडिया है पूरी, और ये 30 वॉल्यूम्स में रही है, और जो इसका सबसे आखिरी वॉल्यूम है वही सर्जरी पर है, बाकी और डिफरेंट पे, कुछ अद्वियात पे, कुछ कुलियात पे है, कुछ दूसरी चीजों पर है, लेकिन जो हम हमारा एम्फेसिस चूंकि सर्जरी इन यूनानी है इसलिए उसके तनाजुर में हम बात करेंगे। इनकी पॉपुलरिटी का ये आलम था इस किताब की कि जब ये किताब बहुत पॉपुलर हुई, और खास तौर से जब हमने, हम मुसलमानों ने, जब हम लोग जो यूनानी के पर्सन थे और अपना रोल छोड़ दिया, और इसके बाद से ही गिरावट स्टार्ट हुई, यानी 100 साल तक, 1000 कुछ में इनका इंतकाल हुआ था, और उसके बाद करीब 200 साल तक तो सर्जरी पायदार रही, और उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे कोर्ट फिजिशियंस थे, यानी दरबारी हकीम जो लोग कहते थे उस जमाने में, हर कोर्ट में हकीम रखा जाता था, कोर्ट में से दरबार, जो भी बादशाह, राजा, या मलूकियत थी, या जहां भी था वहां होते थे, तो वो ज्यादातर मेडिसिन के लोग हुआ करते थे। तो मेडिसिन के लोगों ने हमेशा सर्जरी, चूंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एनर्जेटिक और फ्यूचरिस्टिक, और कहा जाए तो एक बहुत ही एडवेंचरस एक प्रोफेशन है, हर लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके अट्रैक्शन को कम करने के लिए इन्होंने कोर्ट फिजिशियन से, खासतौर से हकीमों से, बादशाहों से सजा मुकर्रर करवा दी कि जो कोई, अगर कोई इंसान मर जाता है इनकी लाश से, तो इनको ही फांसी दे दी जाए, इनको ही मार दिया जाए, इनको जेल में डाला जाए। तो इस तरह से इस पैथी को बड़ा नुकसान हुआ इन 200 सालों में, इनके जाने के बाद अबुल कासिम के
कासिम जुहरावी के, और 200 साल तक ये इताब का शिकार रहे, जो भी 200-300 साल तक जो भी ये रहे सर्जन उस जमाने के, यानी उस जमाने को सर्जन अलग से नहीं होता था बल्कि वो तबीबी कहलाता था, लेकिन उसकी महारत होती थी कि भाई सर्जरी पे इसकी महारत है, भाई इसकी महारत जो है अदवियात पे है, इसकी महारत जो है वो इलाज मुआलजे पे है, इसकी महारत तशखीस पे है। तो सर्जरी को उन्होंने अपना दुश्मन समझ के इसको खत्म करने की कोशिश की, एक साजिश में इस चीज को किया गया कि वो चीज ना बढ़े आगे, और उस चीज को वो कामयाब भी रहे, और धीरे धीरे इन चीज को गुनाह करार दिया गया कि सर खोला गया तो गुनाह, और सीना खोला गया तो गुनाह, पेट खोला गया तो गुनाह, जिसने ये गुनाह किया मुर्तकीब होगा सजा पाएगा। इनकी किताब जब यूरोप में पहुंची और यूरोप में इस चीज को पढ़ा गया, ये सल्तनत तो उस्मानिया के दौर की बात है और अब्बासिया उहद के बाद की बात है जब ये जवाल शुरू हुआ, और सल्तनत तो उस्मानिया के शुरू में तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद 12th सेंचुरी ईस्वी में यह हाल हुआ, जो कैनन ऑफ मेडिसिन थी, कैनन ऑफ मेडिसिन को रिप्लेस कर दिया इस बुक ने, और 12th सेंचुरी से 17th सेंचुरी मेजोरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में अल तशरीफ को पढ़ा जाने लगा, और जिसमें जो है 200 से ज्यादा ड्राइंग मौजूद है, और वो ड्राइंग जो है इन्होंने खुद बनाई थी, और उसका ड्राइंग ही नहीं बनाई थी बल्कि इंस्ट्रूमेंट बनाया था। उस जमाने में जाहिर सी बात है कि मटेरियल चेंज था, लकड़ी के बनते थे सामान या हड्डियों के बनते थे सामान उस जमाने में, या सोने के या तांबे के या पीतल के। आज हम जाहिर सी बात है वो सब चीज का मॉडिफिकेशन है, सब चीज का एडवांसमेंट है, कोई नई चीज नहीं है कि सर्जरी में कोई हम नई चीज आज हम देख रहे हैं। जरूरत इस बात की हम इसको प्रोपेगेट करें, अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं और इनके कामों को, इनके कारनामों को आगे बढ़ाएं। यहाँ एक आर्टिस्टिक फोटोग्राफ आपको दिख रहा होगा कि इंस्ट्रूमेंट मेड एंड यूज बाई अबुल कासिम जोहरावी, इंस्ट्रूमेंट मेड एंड यूज बाई अबुल कासिम जोहरावी। तो आप देखिए कि अबुल कासिम जोहरावी का एक आर्टिस्टिक फोटो है, किस तरह से सर्जन होता था, किस तरह से एनास्थेटिस्ट होता था, और किस तरह से उसका असिस्टेंट होता था, और वो वर्कआउट करते थे, और एनास्थेटिस्ट जब तक स्टे करता था जब सर्जरी कंप्लीट ना हो जाए। कुछ सर्जिकल टूल्स जो उन्होंने बनाए 220 में, कुछ के फोटोग्राफ्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट देखिए उसमें होंगे, उनका नाम लिखा होगा, उनके हत्थे जो है वो डिजाइंड है, और बाकी चीज जो है वो देख रहे हो आप किन किन बीमारियों में वो इस्तेमाल होने वाले वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसी तरह से आप देखिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हर्निया में यूज होने वाला है, माइग्रेन में आईलिड के इंस्ट्रूमेंट्स, आई के इंस्ट्रूमेंट, आई ट्रामा के प्रोब्स, अस्थमा में यूज होने वाले, अर्थराइटिस में यूज होने वाले, वेनेसेक्शन में यूज होने वाले डायलेटर्स, बहुत सारे डायलेटर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एब्डोमिनल सर्जरी, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर स्क्रैपर्स। तो ये दो तीन हमने आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर खाली कोट किया, ऐसे मेरे पास कम से कम 250-250 स्लाइड्स हैं जो इसको शो कर सकते हैं, इसके लिए मेरे पास वक्त इतना नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें 2 ही 4 स्लाइड सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, एक अवेयरनेस के लिए डाली कि आप ये जाने कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, अब जो सीजर थी उस जमाने में जाहिर सी बात है कि वो तांबे की थी, आज वो स्टेनलेस स्टील की है, आज वो किसी और मटेरियल की, तो इसका मतलब नहीं कि मॉडर्न हो गई, बल्कि इट इज एडवांसमेंट ऑफ द मटेरियल, एडवांसमेंट आया, उसमें शार्पनेस बढ़ाई गई, उसमें मटेरियल चेंज किया गया, उसको यूजर फ्रेंडली और बेहतर बनाया गया, बस इतना। आज देखिए हर चीज में एडवांसमेंट आता है, एक मोबाइल आ जाता है, कल को जो है दूसरा आ जाता है चेंज, साहब इसमें ये एडिशन आ गया, ये जो है 9 था, ये 10 आ गया, ये 11 आ गया, 12 आ गया, हम एडवांसमेंट से बहुत दूर हो गए, इस वजह से हम काफी पीछे हुए इसमें। अब देखिए अल तशरीफ में अगर आप देखिए बहुत सारे काम इसमें और भी हैं, जो ईयर नोज थ्रोट ट्रिकियास्टमी के है, ईयर एग्जामिनेशन पे काफी क्या नाम जिक्र है, उसके बाद किस तरह से हम ईयर में और थ्रोट में जो ऑब्जेक्ट्स पहुंच जाते हैं, उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट भी डिजाइन की जो फॉरेन बॉडी को रिमूव करने वाले थे, वो भी है, इन्होंने हुक बनाया, नेजल पाली को किस तरह से रिमूव किया जाए, टेम्पोरल आर्टरी को इन्होंने डिफाइन किया, टेम्पोरल आर्टरी कहाँ पाई जाती है, किस तरह से सर दर्द में की जिम्मेदार है, और किस तरह से वहां पास कॉटरी या कपिंग या कुछ और चीज की जा सकती है। इसके अलावा सबसे पहले जो 54 इसमें मेंशन होगा, 54 इन्होंने जो कॉटरी के बाकायदा अल तसीफ मेंशन है, जिसका इन्होंने किया है बीमारियों के इलाज। इसके अलावा इन्होंने वेसल्स को बांधने के लिए सबसे पहले बताया कैटगट का इस्तेमाल किया जाए, और कैटगट का इस्तेमाल ये सूचर मटेरियल जो आज आप देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल यूनानी में ही किया गया, इससे पहले के एरा में या इनके दौर में भी ये इसका कैटगट का इस्तेमाल शुरू किया था, और अल जकरिया राजी इसके मुजीद थे, जकरिया राजी इनका दौर लगभग आसपास का ही दौर है। इससे पहले बड़े आप लोग समझते होंगे चीटे, जो आंट होती है, बड़ी आंट, ब्लैक आंट होती है, और ये एक अफ्रीकन जंगल की आंट हुआ करती थी, उनको लोग पालते थे, और पालने के बाद उनको एज ए स्टेपलर यूज करते थे, और उनके जो नेक होती थी उससे पहले डंक लगवाते थे एजेस पे, और उसके उनको तोड़ देते थे नेक को, तो वो एक स्टेपल की तरह वर्क करता था। उसी की बुनियाद पे आज स्टेपलिंग है, आज स्टेपलर्स है, बाकी चीजें कहीं यूज हो रही है, लेकिन हम उससे काफी कोसों दूर हैं। फिर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और फ्रैक्चर्स किस तरह से उनको ठीक किया जाए, इन कोकर्स मेथड जो आज कोकर्स के नाम से वो मार्केट में है, वो इनका दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो आज हमारे असलाफ ने दिए हुए हैं, आज सब इनके नाम से हैं। इसके अलावा रिमूवल ऑफ यूरिब्लेडर कैलकुलस, उसके बाद टेक्निक बताई किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से होगा उसका, उसके बारे में डिटेल बताया है। इंस्पेक्शन ऑफ यूरेथ्रा के बारे में बताया, यूरेथ्रा किस तरह हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किए।
यूरोस्कोप बनाया, एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताया कि पहला कंसेप्ट आया था एक टॉपिक प्रेगनेंसी का जो सोहरावी ने दिया। इसके अलावा आर्टिफिशियल टीथ, आप देखिए उस जमाने में वो आर्टिफिशियल टीथ एनिमल बोन से बनाया करते थे और उसको इम्प्लांट किया करते थे। तो बहुत सारी चीजें, जैसे ऑप्टिमोलॉजी पे कितना वर्कआउट है उनका, ऑप्टिमोलॉजी बहुत सारे के वर्कआउट टास्क अपलेट के जरिए किस तरह से है, इंट्रोपियान एक्ट्रोपियान हेयर की जो चेंजेस होते हैं उनको, स्किन लिड लैक्स, टेरिजियम, टेरिजियम पे नीचे आपको टेरिजियम दिया होगा, इसके अलावा आप जो है इसके ड्रूपिंग ऑफ लिड्स, ड्रूपिंग ऑफ लिड, इन सब बहुत सारे एक लिस्ट ऑफ डिजीज है जिसपे इन्होंने वर्कआउट किया। कैटरेक्ट सर्जरीज बाकायदा किया करते थे, और कैटरेक्ट सर्जरीज को बड़े इसके माहिर थे, हाइपोपियान इसमें इंसिजन दिया करते थे, लिम्बस पे जो आई का एक पार्ट होता है, आई स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन है वहां पास इंसिजन किस तरह दिया करते थे, किस तरह से लिम्बस से ड्रेन करके और डिजीजेस को रूल आउट करते थे, मेच्योर कैटरेक्ट को निकाल दिया करते थे। ENT सर्जरीज में काफी का रोल था, ट्रेकियोस्टमी है, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब बनाई, ट्रेकियोस्टमी किया कि अगर लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, कोई फॉरेन बॉडी अगर इंपैक्ट हो गया है, फंस गया है, या खास तौर से डिप्थीरिया उस जमाने में बहुत था, तो डिप्थीरिया केसेस में ट्रेकियोस्टमी कर दिया करते थे, और इजिली किस तरह करते थे उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन। डेंटिस्ट्री में एनिमल बोन से किस तरह से फॉल्स टीथ बनाए जाते थे, मेकिंग टीथ थे और उनके इम्प्लांटेशन था, चीजों को भी काफी वर्कआउट किया। ब्लड वेसल्स के बारे में इन्होंने बताया कि ब्लड वेसल्स किसे कहते हैं, पल्सेटिंग किसे कहेंगे, नॉन पल्सेटिंग ब्लड वेसल्स क्या होती है, पल्सेटिंग से किस तरह से आर्टरीज कौन होंगी, वेन्स को डिफ्रेंशिएट किया, जो पल्सेट कर रही हो वो आर्टरी है, जो नॉन पल्सेटिंग हो वो वेन्स है। उसके बाद इन्होंने एनुरिज्म की बात की कि एनुरिज्म किस तरह से होगा, एनुरिज्म को किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। इन्होंने बहुत से और पॉइंट्स है जिसके बारे में बात की कि आर्टरी कटने के बाद वो रिट्रैक्ट हो जाती है, जो आजकल सर्जरी में हम लोग फेस करते हैं इन चीजों को, और सब एक उसूल बने हुए हैं सर्जरी में, लेकिन इनके नाम से नहीं है, किसी और नाम से। इसी अलावा जो है आर्टरीज जब ब्लीड करती है तो दोनों एंड से ब्लीड करती है, इसी तरह से डिजिटल प्रेशर किस तरह दिया जाए ब्लीडिंग को रोकने के लिए, एक आर्टरी के लिए किस तरह से ड्राई ड्रेसिंग कर सकते हैं, कोल्ड वाटर कोल्ड कंप्रेशन, आज देखिए आज जो है क्रायो सर्जरी है, कोल्ड सर्जरीज भी आ गई हैं, कोल्ड सर्जरीज भी होती हैं और क्रायो सर्जरीज और बाकी चीजें। इन्होंने और भी डिस्क्रिप्शन दिया है आर्टरीज के बारे में, किस तरह से ऑपरेशन में उनका क्या रोल है और किस तरह से हम उनको जो है उसको यूरोलॉजी में उन्होंने बात की कि यूरोलॉजी पिन होल मिएटस की बात की कि पैदा हुए बच्चे में पिन होल मिएटस है, मिएटस बना ही नहीं है, उसके अब नॉर्मल ओपनिंग है, यानी हाइपोस्पिडियस है, हाइपोस्पिडियस है, उन सब का जिक्र किया कि इनको किस तरह से हम मैनेज करें। सर्कमसिजन तो एक आम सी चीज थी, रिटेंशन ऑफ यूरिन में उस कैथेटर का यूज किया, कैथेटर का इस्तेमाल किया, रिमूवल ऑफ ब्लैडर में किस तरह से इंसिजन लगाया गया उसका उसकी बात की, ऑब्स्टेटिक्स में इन्होंने वॉल्चर्स पोजीशन जो आज वॉल्चर्स के नाम से है, क्रेट मेथड्स हैं, ये सब इनके बताए हुए इनकी किताबों में मौजूद हैं, लेकिन उसका जिक्र बहुत ही कमी से हमें पढ़ाया जाता है, यूनानी चाहे यूजी में हो या पीजी में हो उसका बहुत ही कम से होता है। इस तरह कुछ ऑपरेटिव मेथड्स हैं जिन्होंने बताया, उसके हमने कुछ फोटोग्राफ्स में आ दिया है कि इसमें गायनेकोमेस्टिया है तो उसमें किस तरह से ये ऑपरेट किया करते थे। इसी तरह से कुछ और भी हमारे लीजेंड्स रहे हैं जिनके नाम हम यहाँ बहुत ही शॉर्ट में जिक्र कर रहे हैं, जैसे यूरोफ्लूस, हीरोफ्लूस ने सबसे पहले जो है रिटेंशन ऑफ यूरिन में कैथेटर खुद बनाया, हीरोफ्लूस कैथेटर बनाया, जो आज हम कैथेटर यूज करते हैं, नाम सुनते हैं कैथेटर तो हम समझते हैं किसी अंग्रेज ने बनाया होगा, किसी फला ने किया होगा, इट इज अ मॉडिफिकेशन ओनली, ये सिर्फ एक मॉडिफिकेशन है, ये सिर्फ एक एडवांसमेंट ऑफ टेक्निक है, नथिंग। हकीम अमूनस, हकीम अमूनस, इनको लिथोट्रिप्टर के नाम से जाना जाता था, और यूरिन स्टोन को खासतौर से ब्लडर स्टोन को ये चलते फिरते निकाल दिया करते थे, इसीलिए इनको लिथोट्रिप्टर के नाम से उस जमाने में याद करते थे लोग कि भाई चलो उस शख्स को बुला लो वो फॉरन स्टोन निकाल देता है। तो इनका जो लिथोट्राइट बनाया था, लिथोट्राइट था वो कैथेटर नहीं था, लिथोट्राइट कहलाया, और वो सोने और तांबे का बना हुआ था, वो लगभग जो है 8 इंच के आसपास था, उसको डायरेक्ट यूरेथ्रा से अंदर डाल के और उसको क्रश कर दिया करते थे स्टोन को, आगे उन्होंने क्रशर बनाया था और उसके अंदर ट्रैप करके या क्रश करके निकाल लिया करते थे। हकीम सेल्सियस, इसको आप सुनते होंगे, सेल्सियस ने इन्फ्लेमेटरी साइन दिया, सेल्सियस ने इन्फ्लेमेटरी साइन दिया, क्योंकि नाम को ऐसा तोड़ दिया गया कि हम अपने ही नाम को नहीं पहचानते कि ये यूनानी के थे या गैर यूनानी थे, तो हम अब पलते हैं सेल्सियस गिविंग दी फाइव साइन इन्फ्लेमेटरी साइन, इन्फ्लेमेशन है, पेन है, रेडनेस है, इस तरह से फिफ्थ साइन गिवन बाई विरको, लॉस ऑफ फंक्शन, जबकि उनका नाम था हकीम सेल्सियस, और हकीम सेल्सियस ने उस इन्फ्लेमेटरी साइन को दिया था जिसका इन्फ्लेमेशन का बड़ा रोल बाकी डिजीज में है, खासकर सर्जिकल डिजीज में काफी ज्यादा, चूंकि सर्जरी पे काफी काम किया करते थे, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, हर्निया, नासू, साइनस, रिडक्शन ऑफ हर्निया, ये सब इनके एक आम सी चीज थी और उस पर इन्होंने काम किया, इन्होंने टर्निकेट बनाया, बाकायदा ट्रस बनाया जो हर्निया को रोकने। हकीम रूफस, इनका भी हाइपरटेंशन और हैमरेज के ट्रीटमेंट में काफी रोल था, हैमरेज का एक रोल है सर्जरी में।
हकीम सरनोस, इनका भी शियाटिका और बहुत सारे अमराज में इनका एक। बहरहाल ये दौर था राजीज का, थोड़ा सा पहले का दौर है ये अबुल कासिम जहरावी का। बताने का मकसद यह था कि राजीज को सर्जरी में ज्यादा काम करने नहीं दिया गया उस जमाने में, लोगों ने काफी परेशान किया इनको। ये कि ईरानी जो है तबीब थे, ईरानी स्कॉलर थे, और इन्होंने सबसे पहले जरासीम के नजरिए की बुनियाद रखी, जैसा कि आप सब पढ़ेंगे और जानेंगे भी। तो जरासीम के नजरिए की बुनियाद रखी, और हम सब जो है जरासीम नजरिया पढ़ते भी हैं किताबों में, लेकिन जरासीम के नजरिए को मानते नहीं। हमारी कमी ये है कि हमने, उन्होंने तो बताया था 1100 साल पहले, लेकिन आज हम 1100 साल बाद भी उसके नजरिए को नहीं मानते। अगर मानते तो शायद उस पर कुछ अमल करते, आगे काम करते। उसी की बुनियाद पर उन्होंने बीमारिस्तान, एक हॉस्पिटल बनाया कि हॉस्पिटल किस बुनियाद पर बनाया जा सकता है और किस बुनियाद पे हॉस्पिटल को बनाना चाहिए, वो बनाया गया। इनकी जो मशहूर किताबें तो उन्होंने 200 से ज्यादा किताबें, लगभग 200 के आसपास लिखी हैं, किताबुल मंसूरी और किताबुल हावी। किताबुल मंसूरी और किताबुल हावी का उनका काफी मशहूर भी, और इसको जो है अंग्रेजी नाम भी आगे दिए होंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। किताबुल हावी इस ये जो है 24 वॉल्यूम पे मुनहसर है, 24 वॉल्यूम पे। मुझे इसका थर्ड वॉल्यूम है, उसमें इन्फ्लेमेशन, अल्सर, स्टेशन टू, ब्लैरिंग्स, एस्थिक्सिया, टंग एपिग्लॉटिस, डिप्थीरिया, आर्टरीज, डिस्फेजिया, बहुत सारे डिजीज, उनके प्रोसीजर्स, उनका वर्कआउट। और सबसे पहले कैटगट जो बनाया वो इन्होंने ही बनाया, और कैटगट जो बनाया था उसका नाम उसी बुनियाद पर रखा गया था। वे कहते हैं बिल्ली की आंत, कैटगट मीन्स बिल्ली की आंत। आज बिल्ली की आंत से नहीं बनता वो, लेकिन नाम आज भी उसका कैटगट है, नाम आज भी उसका कैटगट, उसका मॉडिफिकेशन है, प्लेन कैटगट और क्रोमिक कैटगट। तो वो एक ट्रीटमेंट है और मॉडिफिकेशन है बाकी चीजें, लेकिन जो इन्होंने ही बुनियाद रखी किस तरह से हम कैटगट का यूज कर सकते हैं, धागे का यूज कर सकते हैं, और ये बॉडी से लीस्ट रिएक्टिव है, और वो बिल्ली, मरी हुई बिल्ली के आंतों से उन्होंने उसको बनाया और उसका इस्तेमाल किया, और जो आज तक राज है उसी की बुनियाद पर। फिर डिफरेंट सूचर्स मटेरियल्स मार्केट में आते गए उस जमाने में, जो अबुल कासिम जहरावी ने इसके अलावा सिल्क का इस्तेमाल किया और बाकी चीजों का इस्तेमाल किया। इसी तरह से अगर हम देखें तो अली इब्ने अब्बास मजूसी, ये भी जकरिया राजी के ही शागिर्द थे, और उन्हीं के उसमें इन्होंने तालीम हासिल की, और उन्होंने उनकी चीजों को इन्होंने आगे बढ़ाया। ये भी एक ईरानियन फिजिशियन या तबीब या सर्जन थे। इन्होंने कामिलुस्सना लिखा है, बड़ी मशहूर किताब है, किताबुल मालिकी के नाम से भी ये मशहूर है। इन्होंने इसमें 10 मकाले लिखे, 10 डिस्कोर्स इसमें मौजूद हैं, जिसमें से जो है जो 9th डिस्कोर्स है वो सर्जरी पे डेडिकेट है, जिसमें 111 चैप्टर्स हैं, और जिसका जो है थर्ड जो जो 38 जो चैप्टर है वो सर्जिकल पे पूरा मुनहसिर है, ट्रीटमेंट ऑफ फरिंजाइटिस। इन्होंने जो है इसके अलावा सर्जरीज, इंसिजन कैसे लगाना है, लैरिंग्स कैसे करना है, टेस्ट और ट्रेकियोस्टोमी, एस्फिक्सिया, उनकी चीजों को आगे बढ़ाया। अगर हम इब्न सीना की बात करें, बोली सीना बड़े मशहूर अच्छे तबीब हैं, कैनन ऑफ मेडिसिन, लेकिन इस कैनन ऑफ मेडिसिन को जो है अल तशरीफ ने रिप्लेस किया था यूरोप में लगभग 500 साल तक, जबकि ये भी दो बड़ी मशहूर किताबें जो रही हैं वो कैनन ऑफ मेडिसिन और अल तशरीफ, जिनकी बुनियाद में यूरोप ने तरक्की की मेडिसिन में, और उन्हीं की बुनियाद को बना के हम जो है हम पीछे रह गए और वो आगे निकल गए। तो आप देखिए इंडोट्रेकियल ट्यूब सबसे पहले इन्होंने डिजाइन किया, इन्होंने बनाया ये, और उस जमाने में एनास्थीसिया के पर्पज से नहीं बनाया, बल्कि इजिली एयर अंदर जाने के लिए किस तरह से हवा जा सकती है, इसको भी बुनियाद बनाया गया, और आगे चल के लोगों ने जो यूरोपियंस थे उन्होंने इस पे काम किया, और आगे चल के सर्जरी पे इनके और बड़े काम हैं, और इन्होंने जो काम किए कोलाइटिस पे बड़ा काम किया है, कोलाइटिस का किस तरह से इसमें डैमेज, स्कल को किस तरह से फ्रैक्चर अगर हो जाए, डैमेज हो जाए तो उसको किस तरह से मूव किया जाए, उस बोन को किस तरह निकाला जाए, किस तरह से उसको मैनेज किया जाए, तो परफोरेटर ऑफ बोन है, परफोरेट कर जाए बोन, बोन परफोरेट कर जाए, पुलिंग ऑफ बोन है, किस तरह से हाथ को बैठालना है, डिसलोकेशन है, डिसलोकेशन है, उन सब चीजों पे उन्होंने काफी काम किया। हकीम इस्माइल जुर्जानी ये लगभग अबुल कासिम जहरावी के बाद के हैं, और अबुल कासिम जहरावी के बाद इन्होंने भी काफी वर्कआउट किया, और इनके जखीरे ख्वारज़मशाही इन्होंने किताब दी, और जखीरे ख्वारज़मशाही का ये लगभग ये ट्रीटीज जो है 10 मकाले पे लगभग ये है मौजूद, और इसमें जो 6th आर्टिकल है ये चैप्टर ऑफ फरिंजाइटिस, एस्फिक्सिया, ट्रेकियोस्टोमी और बाकी इन सब चीजों पे डिस्क्राइब है। ये भी बताया कि अगर सफोकेशन हो जाए फरिंजाइटिस के नतीजे में तो मरीज की डेथ हो सकती है। इसी तरह अबू मरवान मलिक इब्न जुहर, ये बहुत ही इनका एक बड़ा नाम है सर्जन्स में, जैसे कि आपने देखा कि अबुल कासिम जहरावी का एक नाम था, इनका भी नाम है, ये भी अबुल कासिम जहरावी के बाद के हैं। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी कहा जाता है, इन्होंने हर चीज का एक्सपेरिमेंट करके देखा, और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो चीज पाई वो चीज को इन्होंने लिखा, और इन्होंने किताबुल तैसीर जो इनकी बड़ी मशहूर किताब है आपको इन्होंने लिखा, उस किताब में इन्होंने
जो प्रॉब्लम्स को काफी अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया और काफी अच्छे से उस प्रॉब्लम को जो है जज किया, उसके बाद सामने रखा और इन्होंने सबको कंपाइल किया कि इससे आगे लोग पढ़ सकें और इस चीज को आगे जा सके, कि उनका एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इनके पास काफी ज्यादा थी और क्लिनिकल प्रॉब्लम्स और आंसर्स को समझते थे एनिमल डिसेक्शन, और एनिमल डिसेक्शन करके वो अपनी जो है जो एक्सपर्टीज थी उसको वो अप्लाई करने की कोशिश करते थे, उसके बारे में वो जिक्र करते थे। तो यूरोपियन यूनिवर्सिटी में 18 सेंचुरी तक मतलब इसका बड़ा उरूज रहा और 18 सेंचुरी तक इसको राज रखा। अब देखिए ये यूनानी सर्जरीज की कुछ पुरानी मिसालें हैं, जो किस तरह से ट्रेफिनेशन यानी सर में होल कर दिया करते थे और न्यूरो सर्जरी किया करते थे, इवन कंकशन, कंट्यूजन और बहुत सारी डिजीजेस हैं जिसको ट्यूमर्स का रिमूवल ये कर दिया करते थे और चलते फिरते कर दिया करते थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। एक और नाम इसके बारे में सब लोग बिल्कुल खामोश हैं और कहीं भी तारीख में शायद इसका जिक्र ऐसे नहीं मिलता है, आम तौर से हम यूनानी वाले इनको जानते ही नहीं, शायद आज जो अगर कोई टीचर भी ज्वाइन होंगे उनको पता होगा, पहला नाम वो देख रहे होंगे शायद है ये। तो ये एक टर्किश सर्जन थे, फिजिशियन उस समय, क्योंकि फिजिशियन ही होता था और फिजिशियन ही सर्जरी भी करता था, वही जानवर का इलाज भी करता था, इंसान का भी करता था। तो ये सरफद्दीन सेवन कोंगलू थे और ये सरफद्दीन जो है बड़े मशहूर थे, इनकी किताब इन्होंने लिखी 1465 में टर्किश लैंग्वेज, और इसका नाम था चरेहैतु। तो ये जो फर्स्ट सर्जिकल एटलस इन्होंने बनाया, जो आप आज आप देखते हो कि इस किताब का एटलस आ रहा, उस किताब तो पहला एटलस का बुनियाद रखा, किस तरह से किसी भी सर्जिकल डिजीज की, सर्जिकल पोजीशंस की, बीमारी की, इंसिजन की टेक्निक्स का एटलस बनाया जा सकता है, इन्होंने बनाया। और ये फिर इस तरह से इन्होंने एक सरफद्दीन ने इंक्लूड किया एक कलर मिनिएचर ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर, इंसिजन टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स, इन्होंने बनाया। तो लेकिन आज ये किताब हमसे गायब है, क्योंकि ज्यादातर किताबें जो है वेलकम लाइब्रेरी या डिफरेंट लाइब्रेरी जो यूरोप में है वहाँ हमारी किताबें मौजूद हैं, आज हमारे उन तक एक्सेस लगभग ना के बराबर है, कि वहीं जाए शायद अगर मिल सकती हो तो मिल सकती हो उसके लिए। इसके अलावा इन्होंने एनास्टिसिया काम जो इब्नुल कुफ का था उसको भी आगे बढ़ाया, और जो है 15 सेंचुरी में एडवांसमेंट ऑफ सर्जरी को ही लेकर आए उसी एनास्टिसिया के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए। अभी कुछ इम्पोर्टेंट कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में, खाली किताबों फोटोग्राफ्स हैं, किताबुल तसरीफ है, किताबुल फिलतिब है, किताबुल उम्दा फिल जराहत है, किताबुल कहल है। तो इस तरह से किताबों का जिक्र है जिसमें इंस्ट्रूमेंट और उनका जिक्र है, जिसका आपको शुरू में एक इंस्ट्रूमेंट का जो आपको दिखाया हुआ है बिल कासिम ज़रावी का, वो हमने ही उसको डिजाइन करा के उसको कलर करा दिया इसी किताबों से फोटोग्राफ्स को ले। अगर हम फिर ये जब ये सारी चीजें यूरोप में गई तो यूरोप ने इस पे काम करना शुरू किया, और जो पहला हिस्टोरिकल इवेंट मिला वो हुआ कि जो मिस्र की मिस्री तिब थी, तो मिस्री तिब से एक बड़ा इवेंट मिला, इन्होंने एक एडविन स्मिथ एक साहब थे, उन्होंने एक कब्र की खुदाई की, वहां उनको कुछ नोश्ते मिले और पेपायरस का नाम दिया गया और कहा गया कि एडविन स्मिथ पेपायरस है। आज हम एडविन स्मिथ पेपायरस जानते हैं, ये नहीं जानते हो क्या चीज है। दैट मीन्स कुछ कागज या तख्तियों पे लिखे हुए कुछ नोश्ते मिले, कुछ तदबीरें मिली, कुछ तरीके मिले उस कब्रों की खुदाई में, और ये बात है 1862 की, बहुत पुरानी नहीं है। जब हम बिल्कुल जवाल पजीर हो चुके थे पिछले 400 साल से, तो वो काम कर रहे थे, और काम करने के बाद इसमें इन्होंने 48 सर्जिकल ट्रीटमेंट जो हेड टू टो थे वो उसमें उनको मिले, और उसमें जो है सॉफ्ट टिश्यू स्कल के 1 से 10 केसेस थे, हेड के 11 से 14 केसेस थे, नोज के 11 से 14 केसेस थे, मैगजिली के 15-17 केसेस थे, मैंडिबिल के कितने केस 23-27 केसेस, क्लेविकल के 24-35, क्योंकि उसमें ज्यादातर बोनी प्रॉब्लम ज्यादा हुआ करती थी, 30 से 38 केसेस, स्टर्नम साफ जो 39-46 केसेस, शोल्डर के 47 केसेस, स्पाइनल कॉलम के 48 केसेस। उसमें उसके टाइटल, उसके एग्जामिनेशन, उसकी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, पूरी ग्लोसरी उसकी जो है एडविन स्मिथ पेपायरस में मौजूद थे। ये 1862 में ये चीज मिली, और एडविन स्मिथ पेपायरस को जो न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ मेडिसिन में आज भी वो मौजूद है, और इसी को नाम दिया गया सर्जिकल पेपायरस। और इसको जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता किया गया कि 3000 BC या उससे भी ज्यादा ओल्ड ये लिटरेचर या ये जो चीज बर्दिनोश्ता है ये मौजूद है, लेकिन मिला कब है, ये 1862 AD में। तो आप देखिए, तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस तरह से हम आए और हमने कुछ नहीं किया, और उसके बाद ये चीजें सिर्फ किताबों तक महदूद रह गई और आपस की लड़ाइयों तक महदूद रह गई, और उसके बाद ये चीज सीधे सीधे जो यूरोपियन उसमें शिफ्ट हो गए, जो पहले पढ़ते लिखते नहीं थे वो पढ़ने लिखने लगे, और हम अपने गुरूर तकबर अपने उसमें शेखी में कि हाँ हमने बहुत काम कर लिया और हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हम वहीं बैठे रह गए। धीरे धीरे चूंकि इसमें सजा और बाकी चीजों का भी प्रोविजन लोगों ने डलवा दिया, तो ये प्रोफेशन धीरे धीरे खत्म होता गया, और उसके बाद इस प्रोफेशन में लोगों ने चुपा चोरी काम करना शुरू किया, और ये एक तरीके से बन गया बारबर्स प्रोफेशन।
ये बन गया बारबर्स प्रोफेशन। और ये नस्ल दर नस्ल चलता रहा कि ये वो अपने बच्चों को सिखाया जाता था। भाई आज भी आपने सुना होगा कि हिंदुस्तानी बचपन में कभी नाई खतना करता है, किसी गांव में कहीं भी, अब होता शायद ना होता हो, लेकिन अभी हमारे बचपन में था कि नाई खतने करते थे, नाई के यहाँ ड्रेसिंग होती थी और नाई की दुकान पे चले जाओ वहीं बस मसे निकाल दिए जाते थे, ये सब चीजें होती थी। तो ये बारबर्स प्रोफेशन बना और उसके बाद इसकी बुनियाद रखी इंग्लैंड में, बारबर्स की एक एसोसिएशन बनाई गई, कहा गया बारबर्स एसोसिएशन। बारबर्स एसोसिएशन ने एक कॉलेज की बुनियाद रखी, उसमें उसका नाम रखा गया कॉलेज ऑफ बारबर्स। और कॉलेज ऑफ बारबर्स ने फिर जो है उसके बाद इसमें एक ट्रेनिंग का प्रयोजन रखा कि इसको एक बाकायदा सिस्टमेटाइज किया जाए और उसको बाकायदा एक मॉड्यूल बनाया जाए और उसमें एक ट्रेनिंग और टीचिंग का किया जाए, वरना ये प्रोफेशन खत्म हो जाए। बाद में उसको जो है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन का नाम दिया गया, जो आज भी आप सुनते होंगे रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन के नाम से, वो कॉलेज आज भी मौजूद है। और उसमें उन्होंने तरक्की की यानी एडवांसमेंट लाया, और उस एडवांसमेंट के आते ही जैसे वो एडवांसमेंट आते गए और एडवांसमेंट शुरू हुए, अब हम ये हाय हाय करते हैं कि साहब ये तो मेरा था, ये तो उन्होंने कर लिया, ये मेरा था, ये उन्होंने कर लिया, तो ये कहने से कुछ नहीं होगा। बल्कि हमने 20-800 साल हम सोते रहे, आप समझिए कि यह 1200-1300 ईस्वी तक, 1300 ईस्वी तक, तो ये कार्यक्रम 1300-1400 तक चला, लेकिन 1400 से लेकर आज तक 600 साल 700 साल सर्जरी बिल्कुल से गायब हो गई। उसके बाद ये सर्जरी वहां से होते हुए जैसे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में भी इसको ज्यादा परवान चढ़ने नहीं दिया गया, सिर्फ जंगों तक महदूद रखा गया, सिर्फ जख्मों के इलाज करने के, सिर्फ जख्मों के इलाज करने की, तीर लग गया है, तलवार लग गई है, कट पिट गया है, तो उनके उनके इलाज के लिए कहा गया कि यही सिर्फ सर्जरी कर सकते हैं, बाकी बस यही इतना ही काम रह गया महदूद, खतना कर सकते हैं, इसके अलावा कोई सर्जरी करना इस तरीके से समझिए कि गुनाह तसव्वुर कर लिया गया कि साहब गुनाह है, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आज देखिए एडवांसमेंट कहाँ से कहाँ है। तो इस जो भी आज आप देख रहे हैं इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये इट इज मॉडर्न एडवांसमेंट ओनली। सर्जरी सर्जरी आर्ट है और आर्ट को हम कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे मैंने एक आपको ये मॉड्यूल दिखाया हार्मोनिक स्कैल्पल सिस्टम, ये आयुष में फर्स्ट है, ये हमारे एनआईयू में इंस्टॉल्ड है और ये यहाँ वर्कआउट करता है। ये अमले कई कई एक तरीका है जो हम अल्ट्रासोनिक बेस पे करते हैं, अल्ट्रासोनिक बेस पे ड्यूरिंग सर्जरी करते हैं, और इस पेनलेस सर्जरी, सॉरी ब्लडलेस सर्जरी इसके जरिए होती है, और ब्लडलेस सर्जरी इसके जरिए की जा सकती है। तो हार्मोनिक स्कैल्पल ये यूएस का बनाया हुआ है, लेकिन ये बेस किस पे, अगर हम बेस देखें तो ये सारा बेसिक फंडामेंटल्स कहाँ से आ रहा है, सब चीज वहीं से आ रहा है। अब अगर हम देखें कि हिंदुस्तान में सर्जरी की शुरुआत हुई कि नहीं हुई, यूनानी में सर्जरी आई कि नहीं आई, तो वो भी एक बड़ा एक मरहला है किस तरह से यूनानी में आई। तो इसके लिए बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन यूनानी की तरफ से सख्त रेजिस्टेंस हुआ कि यूनानी में इसको ना शुरू किया जाए और किसी भी कीमत पे ना शुरू किया जाए। तो अल्टीमेटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ये एजाज हासिल हुआ, वहाँ एक सर्जन हैं अभी भी हयात है, रिटायर हो चुके हैं, प्रोफेसर अनीस इस्माइल साहब, मैं उनका नाम लूंगा, और हम बड़े मतलब खुशकिस्मत है कि उनसे हमने सीखा और ट्रेनिंग मिली। वो यूनानी के नहीं थे, वो MBBS MS थे, और उन्होंने चाहा कि नहीं ये इस प्रोफेशन में ये चीज होनी चाहिए, और तारीख ये बड़ी बड़ी ताबनाक रही है, बड़ी ऐसी रही है, तो क्यों ना यहाँ शुरू की जाए। काफी विरोध के बावजूद भी उन्होंने समझे बगैर स्टाइपेंड के मतलब इसको शुरू करा दिया, और आज भी बगैर स्टाइपेंड के चल रहा है, और आज भी किसी भी यूनानी वाले वहाँ स्टाइपेंड दिलाने के उसके उसमें नहीं है, स्टाइपेंड नहीं होना चाहिए, मतलब होना भी चाहिए लेकिन दिल से नहीं, नहीं होना चाहिए। तो उस पर सारी चीजें चल रही हैं। और वहाँ फिर 1995 में आप समझिए, अब अभी 1995 को कितने दिन हुआ गए हुए, ठीक है 25 साल, और सिर्फ 2 सीटों की परमिशन मिली और उसके बाद वहाँ उसकी शुरुआत हुई। शायद मैं थर्ड बैच का था या फोर्थ बैच का था, थर्ड बैच का था, तो थर्ड बैच में हमने वहां से एमएस किया, और उसके बाद वहां से ये दाग बेल बढ़ी। और आगे अब देखिए देवबंद में है, पुणे में है, यहाँ एनआईएम में है, आज एनआईएम इसकी जी तोड़ कोशिश कर रहा है कि इसमें जो है एक स्टैंडर्ड बनाया जाए और एक इस स्टैंडर्ड पहुंचा जाए कि इसको एक मॉडल इंस्टीट्यूट बना के कि ये दिखाया जाए कि हाँ सर्जरी यूनानी में हो सकती है, इस तरह से किया सकती है, और किस तरह से हम अपनी चीजों को अप्लाई करके और कल को हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। दिक्कत जो आती है जो सर्जरी इसमें आती है मॉडर्न मेडिसिन की, मॉडर्न मेडिसिन सर्जरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मामला नहीं है, सर्जरी आप कोई सी भी कर सकते हो। ये हमारा फिर हमने सिलेबस की तरतीब दिया, और सिलेबस में आप देख सकते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है हमारा, जो सिलेबस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं आजकल, और ये CCIM के जरिए जो जारी किया गया ये सिलेबस है, जिसमें आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों चीजें मिल जाएंगी, जो कि हमने किया है। उसमें आपको सिर्फ जो है अंग्रेजी मिलेगी, उर्दू नहीं मिलेगी, जो सिलेबस है इसमें उर्दू और अंग्रेजी का दोनों का ट्रांसलेशन है, और इस ट्रांसलेशन को आप देख सकते हैं किस तरह से है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट में डिफरेंट है, हिस्ट्री टेकिंग, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, स्वेलिंग, ट्यूमर, अल्सर्स, लिम्फ नोड्स, पेरिफेरल आर्टरीज,
प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक टेक्निक में रेडियोग्राफी, कंट्रास्ट इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये चीज़ हमारे यूनानी में पढ़ाई नहीं जाती है कि रेडियोलॉजी क्या चीज़ है, लेकिन ये सिलेबस में हमारे यहाँ आई, मैग्नेटिक रेजोनेंस, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैनिंग, इसके अलावा यूनानी ड्रग्स यूज इन सर्जिकल प्रैक्टिस है, दाफे जरासीम अदविया, हमने उस कंसेप्ट को माना जो जरासीम का नजरिया था। अपनात का नजरिया अपनी जगह है, लेकिन जरासीम का नजरिया अपनी जगह है। हमारी दवाएं ठीक है, वर्कआउट कर रही हैं, तो किस जरसूमे पर असर कर रही है हमें वो भी पता होना चाहिए। तो एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, दाफे अलामिनाल जैसे एंटी इंफ्लामेटरी, हीमोस्टेसिस, काबिज अद्वियात, तो इनके बारे में कुछ जानकारी, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, क्लिनिकल, तो मेनली अब यहाँ एक चीज शुरू हुई है। इसके अलावा पूरा एनास्थीसिया, जनरल, लोकल, रीजनल, तमाम टाइप ऑफ, जितने टाइप ऑफ एनास्थीसिया, हिस्ट्री ऑफ एनास्थीसिया, हिस्ट्री इसलिए रखी गई कि जब तक हम अपनी तारीख को नहीं जानेंगे तब तक हम, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम क्या थे। हम खाली ये कहने से नहीं, हम ये थे, बल्कि ये थे और हम क्या करें और क्या करना चाहिए हमको, तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उस लिहाज से हमें फिर आगे बढ़ना, तारीख की बात आई, स्कोप क्या है, डेफिनेशन, पीएसी क्या है, प्री यूनिवर्सिटी असेसमेंट, जो कि आपने देखा होगा बिल्कुल ने बताया था, वो आज भी राइज है और आज उसमें एडवांसमेंट है, बहुत सारे एडवांसमेंट है। प्री यूनिवर्सिटिक मेडिकेशन है, यूनानी और मॉडर्न दोनों, एनास्थेटिक एजेंट है, इनहेलेशनल एनाल्जेसिक एजेंट है, इसके अलावा इंट्रावेनस है, लोकल एनास्थेटिक ड्रग है, मुखदर अद्वियात यूनानी भी, यानी दोनों के इमजाज पैदा किया गया, यूनानी का और मॉडर्न का। तकदीर में स्टेज ऑफ जनरल एनास्थीसिया एंड देयर साइन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनास्थीसिया में रेस्पिरेटरी फंक्शंस टेस्ट किस तरह किए जाए, एनास्थीसिया ब्रीदिंग सिस्टम, काबिज इंडोट्रेकल एनास्थीसिया, जिस तरह से आप देखिए काफी एक वास्ट सिलेबस जो है और उसमें तकदीर मुकामी, तकदीर नुखाई, ड्रग यूज, क्या क्या ड्रग यूज करें, ब्रैकियल प्लेक्सल ब्लॉक क्या करेंगे, लोकल ब्लॉक कैसे होगा, एपिड्यूरल ब्लॉक की पूरी टेक्निक, हर चीजें बच्चों को बाकायदा सिखाई जाती है, बच्चे बाकायदा उसमें ट्रेंड होते हैं, बच्चे बाकायदा यहाँ से जाते हैं, जो लोग यहाँ से गए हैं आप उनसे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। अदर लोकल ब्लॉक्स है, इसके अलावा यह पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ है, रिलीफ ऑफ लेबर पेन की बात भी हम कर रहे हैं, हम ऑपरेशन रूम फायर्स की बात करेंगे, इंटेंसिव थेरेपी की बात करेंगे, और दर्जेबंदी है जो क्लासिफिकेशन है इनकी, हाइपोवोल्मिक शॉक्स की, ट्रामा की, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ ट्रामा है, कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन है, न्यू बॉर्न रेसुसिटेशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इसमें अक्सर सिलेबस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं और अक्सर पे काम किए जाने की कोशिश की जा रही है। प्रैक्टिकल टेक्निक्स की बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा देखिए जनरल सर्जरी, इस पे काफी काम हो रहा है, जनरल सर्जरी चूंकि हमारे यहाँ अभी सिर्फ सर्जरी शुरुआत हुई है और उसमें एक ही चीज है, जराते उमूमी, जराते उमूमी में बहुत चीजें ऐसी डाल दी गई हैं जिससे हम सारी चीजों से अवेयर रहे, कल को ये ना हो कि हम एनास्थीसिया भूल गए, ऑर्थोपेडिक्स भूल गए, फला चीज भूल गए, कल को अगर इसका डिवीजन हो तो कम से कम वो ब्रांच बनाई जा सके। इसलिए एक फ्यूचरिस्टिक सिलेबस डिजाइन किया गया कि हमारे बच्चे सब जाने, कल कोई कहीं टीचर बने तो ये नहीं कहे मुझे ऑर्थोपेडिक्स नहीं आती, हम नहीं पढ़ा सकते, इसलिए उनको वो भी चीज आनी चाहिए। तो जनरल सर्जरी पे हमारा अभी फोकस है, जो हमारी डिग्री है वो आमतौर से जनरल सर्जरी से मुताबिकत रखती है, तो उसमें जितनी डिजीज आती हैं वो सारी डिजीज हैं, इनके ज्यादातर के ऑपरेशन भी हमारे यहाँ होते हैं अक्सर डिजीजेस के। इसके अलावा आप देखिए ये ऑर्थोपेडिक्स के है, एग्जाम मफासिल, फिजियोथेरेपी, स्पाइंस, बोन ट्यूमर, शियाटिक है, इसके अलावा जो है फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर में जो भी एक लिमिटेड असेस जो हो सकता है वो किया जा रहा है, लेकिन वैसे बात है कि ऑर्थोपेडिक्स का डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ काफी कोशिश कर रहे हैं, इसमें इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन है, सिंपल फ्रैक्चर्स है, और उनको प्रॉपर डायग्नोसिस और रेफरल भी है, जो जिस तरह का आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, ऑस्टियोमेलाइटिस है, ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस है, स्पाइन है, ट्यूबरकुलर ट्यूमर है, इस तरह बहुत सारे जो उसमें चीजें वो हो जाएंगी। डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हैं इसमें, इलाज बिलियद, अमले कई, तकमीद, फसाद, हिजामा, इरसाल लक, होकना, रिडक्शन ऑफ इम्यूबिलाइजेशन ऑफ द प्लास्टर एप्लीकेशन, ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आमतौर से राय है। जहाँ पे खसूसी यानी सिस्टमिक सर्जरी, अब वो सिस्टम के एतबार से हेड एंड नेक है, फेस है, लिफ्ट है, पैलेट, क्लेफ्ट लिप है, पैलेट है, सिस्ट है, मेनिंजोसील, हाइड्रोकेफेलस, हेड इंजरीज, ओरल अल्सर एंड कैंसर्स, डिजीज ऑफ पैरोटिड, थायराइड, पैराथायराइड, और डिजीज ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, कार्सिनोमा पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, इंजरी है, पोर्टल हाइपरटेंशन, जीआईटी, ये सब हमारे सिलेबस का एक पार्ट है कि हमें पढ़ाना है जिससे बच्चे हर चीज से अवेयर रहें, उनको ये ना हो कि ये चीज उन्हें मालूम नहीं है, ये पढ़ाएंगे या वो खुद भी पढ़ सकते हैं, उसको वो पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस ये एक वास्ट सिलेबस है, इस सिलेबस के लिए हम तैयार हैं, ये मॉडर्न से काफी अच्छा सिलेबस है, लेकिन शर्त ये कि हमें पढ़ाना है और उन्हें पढ़ना है, और जब तक दोनों तरफ से बात नहीं होगी तब तक बात नहीं बनती। तो अब देखते हैं एक लिस्ट ऑफ डिजीज है, बहुत सारी डिजीज हैं जो हमारे एक सिलेबस को बहुत ही रिच बनाती हैं, एनर्जेटिक बनाती हैं और फ्यूचरिस्टिक भी बनाती हैं, कि हम किसी चीज को ये नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ये हमारे यहाँ नहीं है इसलिए हम नहीं कर सकते, कल को वो ऐसा कुछ चीज आती है तो हम कह सकते हैं हमने इसको पढ़ा है, इसके मेरे पर डिग्री है और इसको मैंने पास आउट भी किया है। तो
आगे चल के, चूंकि अभी तो एक ही ब्रांच होता है, फ्यूचर में अल्लाह से दुआ है कि और भी ब्रांचें बने और भी आगे चीजें आए और बेहतर हो। तो इससे देखिए, रीनल सर्जरीज हो, हर्नियल सर्जरीज हो, बॉटम सर्जरीज हो, प्रोक्टोलॉजी हो, हर चीज का एक सिलेबस पूरा डिफाइंड है। ये सिलेबस जो है वो मौजूद है। यूरेथ्रल सर्जरीज है, पेनाइल सर्जरीज है, टेस्टिकुलर सर्जरीज है। इससे तरह जराहियात का जदीद तरीका, जो रिसेंट एडवांसमेंट क्या क्या है, रिसेंट एडवांस, जैसे मैंने अभी आप एक मशीन का जिक्र किया हार्मोनिक स्कैल्पल, ये आयुष में पहला इंस्टॉलेशन है इंडिया में। इंडिया में इसी तरह से एक अभी मैंने जो इंस्टॉलेशन कराया है स्मोक इवेक्यूएटर, स्मोक इवेक्यूएटर फर्स्ट इन इंडिया है, सेकंड इन एम्स इन दिल्ली है। तो इससे कि हमारे बच्चे मॉडर्न एडवांसमेंट से भी बहुत ही अवेयर रहे और ये जाने कि मॉडर्न एडवांसमेंट क्या है, उनका शोल्डर अप होना चाहिए, और शोल्डर अप हो तभी वो कहीं जाके फेस कर सकते हैं, कहीं भी जाके मरूब नहीं होंगे किसी से, किसी से डर के काम नहीं करेंगे और मेहनत से काम कर सकते हैं। इसी तरह कैथेटराइजेशन, प्रोक्टोस्कोपी, इसोफेगोस्कोपी, जीआई एंडोस्कोपी, इन पे अगर कुछ जो वसायल हमारे यहाँ अवेलेबल है, हमारे यहाँ वरना उसको हम बराबर उसके जो है वर्कशॉप्स कराते हैं, बाकी चीजें कराते हैं जिससे वो चीजें सीख सके। ऑपरेटिव सर्जरी, ऑपरेटिव सर्जरी में कितने प्रोसीजर्स जो है जो हमें पढ़ने होते हैं, और वो चीज हमारी सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है, जो पीजीज में है और यूजी में आप सब पढ़ के ही आएंगे, और आगे चल के पीजीज में और उसका मॉडिफाइड फॉर्म और उसका बेटर फॉर्म लेके सिलेबस आता है। फिर अमराध जरा ये कबीरा, मेजर सर्जरी, जो माइनर सर्जरीज था भी मेजर, मेजर सर्जरीज में क्या क्या सर्जरीज हैं वो सर्जरीज की बात आएगी, मैनेजमेंट की बात आएगी, क्या क्या मैनेजमेंट्स हैं। अमलाद जराही मखसूसा, जो उसी सर्जरी है, जीआई इंडोस्कोपी के जरिए, न्यूरो सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी में कुछ उसका पोर्शन है। क्लब ऑफ सर्जरी का जो जितनी भी सर्जरी की एक मोटी मोटी ब्रांच हो सकती है वो हमारे सिलेबस में समाई हुई है। कि होता यह है कि जो जनरल सर्जरी से पढ़ रहा है उसको सिर्फ जनरल सर्जरी पढ़ना चाहिए, जो न्यूरो पढ़ रहा है सिर्फ न्यूरो पढ़ना चाहिए, जो यूरो पढ़ रहा है सिर्फ यूरो पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने हमारा और सीसीएम का जो एक सिलेबस का एक जो वो है कोलेबोरेशन, वो ये है कि इस तरह का हम एक सिलेबस बना दें, कल को अगर हमें ब्रांच अलग भी करनी पड़े। हमने फ्यूचरिस्टिक सिलेबस होने की वजह ये है कि सिलेबस तो बहुत वास्ट है, मेहनत भी बहुत है, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि आगे चल के हम सिलेबस को डिवाइड करते हैं तो इजिली वो डिवाइड हो जाएगा और उसमें और फिर एडवांसमेंट आ सकता है। ऑन्कोलॉजी सर्जरी है, और ऑन्कोलॉजी सर्जरी हमारे यहाँ होती है बाकायदा ऑन्कोलॉजी सर्जरी, और हमने यहाँ के ऑन्को सर्जन भी उसके लिए रख रखा है। प्लास्टिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में है कि आप जो भी ब्रांच कल को अलग करना चाहें आप इसमें इजीली इसमें से अलग कर सकते हैं। ये अभी फिलहाल सिलेबस राइज है जो पढ़ाया जा रहा है। इसलिए पीडियाट्रिक सर्जरी है, कल को हम पीडियाट्रिक सर्जरी की तरफ अगर बढ़े तो पीडियाट्रिक सर्जरी भी सिलेबस में मौजूद है, उनको भी हम। अब हम जो आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, इस लिस्ट में आप देखिए वो सर्जरी जो टिल डेट हो रही है वहाँ हो रही है, लिस्ट ऑफ सर्जिकल प्रोसेस रेगुलरली परफॉर्म इन पीजी डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट यूनानी कॉलेजेस। जो हमारे चार कॉलेजेस हैं जहाँ पर सर्जरीज हो रही है, वो चाहे देवबंद हो, चाहे अलीगढ़ हो, या पुणे हो, या हमारे यहाँ हो, जैसे मैगजम सर्जरी तो हमारे यहाँ हो रही है, और इसके अलावा बाकी जो चीज़ जहाँ हो रही है उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को समराइज किया गया है। तो अब देखिए इसमें एम्पुटेशन ऑफ पेनिस है, हेमराइड है, इंट्रकॉस्टल रेस्पिरेशन है, वेरिकोसील है, यूरेथ्रल लिथोटमी है, हर्नियाटमी है, ग्रोइन हर्नियल रिपेयर है, लेप्रोस्कोपिक हर्नियल रिपेयर है, पाइलोरोमाइटोमी है, मेटोटमी है, नेफ्रोलिथोटमी है, सुपरा पेबिक सिस्टल लिथॉटमी है, प्रोस्टेटिक सर्जरीज हैं, प्रोस्टेटिक सर्जरी है, साइनस और सिस्ट ऑफ नेक की सर्जरीज हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ नेक डिसेक्शन है, लिफ नोड के वुंड है, कार्सिनोमा ऑफ पेनिस है, लिप सर्जरीज हैं, थायराइड सर्जरीज हैं, और जीआई सर्जरीज हैं, खास से रेडिकल जो ऑपरेशन हैं वो भी हो रहे हैं, ब्रेस्ट मेलिग्नेंसीज हैं, माइनर हैंड सर्जरीज हैं, और यूरोजेनाइटल सर्जरीज हैं, स्किन फ्लैप्स हैं, स्किन ट्रांसप्लांटेशन हैं, उसके प्लास्टर एप्लीकेशन है, फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन का कुछ मामूली सा काम है वो भी हो रहा है, कोलोस्टमी है, क्लोजर ऑफ कोलोस्टमी है, सर्कमसिजन है, स्किन ग्राफ्ट है, स्कैल्प वुंड सूचरिंग है, इसके अलावा लिम्फ नोड बायोप्सीज है, इसके अलावा आप देखिए माइनर बायोप्सीज हैं, अल्सर्स हैं, स्वेलिंग्स हैं, ड्रेनेज ऑफ एब्सेसेस हैं, ब्रेस्ट स्पेशली वैसेक्टमी है, वैसेक्टमी है, उसके बाद आप देखिए पेप्टिक अल्सर है, ब्लीडिंग अल्सर्स है, बॉवल रिसेक्शन है, पैराटिडेक्टमी है, पैराटिड ग्लैंड को निकालना है, सिंपल एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑर्कोडेक्टमी है, नेफ्रेक्टमी है, गैस्ट्रेक्टमी है, हेमिकोलेक्टमी है, मास्टेक्टमी है, माइक्रोकोडेक्टमी है, ब्रेस्ट ट्यूमर्स है, ब्रेस्ट लम्पेक्टमी है, थायराइड लोबेक्टमी है, ओपन प्रोस्टेटेक्टमी है, वुंड डेब्राइडमेंट है, अपेंडिसेक्टमी है। मतलब ये तो कुछ नाम है, बाकी और बहुत से सर्जरी वो जो हो रही है बाकायदा अभी, फिस्टुलेक्टमी है, फिशरेक्टमी है, इंग्विनल ब्लॉक है, स्प्लेनेक्टमी है, लेप्रोटमी है, स्क्लेरेनास्टोमोसिस है, पेरिटोनाइटिस है, क्लोजिंग ऑफ एब्डोमेन है, क्लोजिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग चेस्ट है, बर्न रिससिटेशन है, मेटास्टेटिक वर्कशॉप्स हैं, फीडिंग जेजुनोस्टमी है, और कार्डियोपेक्सी है,
कोलिसेस्टेक्टमी है, लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक कोलिसेस्टेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी है, टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी है। इसके अलावा बहुत से नाम इसमें मेंशन भी नहीं है जो हमने इसमें नहीं भी लिखे हैं, सिग्मोइडोस्कोपी, अपर एंडोस्कोपी, टेंडन रिपेयर, मिटोटमी, इसके बाद डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक सिस्टोस्कोपी, इसके अलावा जीआई एंडोस्कोपी, ऑस्टमीज, एनल डायल्टेशन, फिशर फिशर, ये सारी चीजें हैं। और इस तरह से ये देखिए उसका अम्बिलिकल हर्निया का क्लोजर हो रहा है, ऑपरेशन है, अम्बिलिकल हर्निया क्लोजर है, ऑपरेशन चल रहे हैं। तो इस तरह से एक ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन की किस तरह से एक यूनानी रही है, सर्जरी रही है, और यूनानी भाई ताबनाक इसका मामला है, और बहुत ही जॉब ओरिएंटेड है। आपको किसी से जॉब मांगना नहीं है, जॉब करना नहीं है, आपको जो है इसको सीखना है, आगे बढ़ना है, और इसकी मशरूमी होनी चाहिए बहुत से कॉलेजों में। अगर ये खुलेगा तो फायदा लोगों को ज्यादा होगा। अभी जो कि कम कॉलेजेस में है तो कम सर्जन बाहर निकलते हैं, यूनानी सर्जन, और बाहर जाकर कम फायदा उठा पाते हैं क्योंकि गिनती के चंद कॉलेज हैं और चंद सीटें हैं। जैसे कि अगर हम अपने यहाँ बात करें तो यहाँ 5 सीटें हैं, अलीगढ़ में 2 सीटें हैं, तो पुणे में 3 सीटें हैं, देवबंद में 2 सीटें हैं, तो और जहाँ है भी वहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। जो प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की जरूरत है, और जरूरत इस बात की है कि ये हमें इसमें कैरियर बनाना बड़ा ईजी है और बहुत आसान है। और इसमें है कि अगर आप जो है इसमें आते हो तो इसमें मेडिसिन भी सीखते हो, सर्जरी भी सीखते हो, इन्वेस्टिगेशन भी सीखते हो, जो कि यूनानी में इसे इन्वेस्टिगेशन आमतौर से नहीं सिखाए जाते। एक्सरे कैसे देखना है, सीटी स्कैन कैसे देखना है, आपको ब्लड की रिपोर्ट से क्या इन्फेक्शन निकालना है, यूरिन की रिपोर्ट से क्या इन्फेक्शन निकालना है। हम एमडी करके चले आते हैं, बाकी चीज करके चले आते हैं, हमें हैंडलिंग नहीं आती, सीटी स्कैन क्या होता है, आइसोटोप स्कैनिंग क्या होता है, सीटी के टाइप्स कितने हैं, सीटी है, एक्सियल है, टोमोग्राफिक है, वो स्पाइरल है, सीटी किस टाइप कंट्रास्ट है, विदाउट कंट्रास्ट है, कब कराना है, किस वक्त कराना है, क्यों कर कराना है, कैसे कराना है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम बात करें तो इन सब चीजें सर्जरी में एक बेस्ट ऑप्शन है कि इसमें हम करियर बना सकते हैं, और बड़ा इसमें एक बड़ा ही एडवेंचरस जॉब है, और इसके एडवेंचर में हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने करिकुलम में और अच्छे शामिल करें, पढ़ाया जाए अच्छे से। और इसी सब साथ के आप लोगों ने वक्त दिया और आपके जो लोगों ने हमें इसके लिए इस लायक समझा कि कुछ हम मोटिवेट अगर कर सके हों, अगर किसी काम आ सके हों, तो हमें बड़ी खुशी होगी। और कोई सवाल किसी का हो तो पूछ सकता है। इसी साथ शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये थोड़ा लेक्चर के लिए। बहुत सारे बच्चों के सवालात भी आ रहे हैं, वो तो हम लेंगे ही, लेकिन दे आर फाइंडिंग इट क्वाइट मोटिवेशनल। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि एक यूनानी के सर्जन हमसे जुड़े, तो हमने वादा किया था, कैरिकुलम में था भी, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया कि इन बच्चों को आपने वक्त दिया। तो सर जैसा कि आपने बताया कि 78 से 80 के आसपास आप लोग सर्जन कर पा रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में, तो मेरा सवाल ये है कि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, किस रेट से आप लोग हफ्ते में कितनी सर्जरी कर लेते हैं ऑन एन एवरेज? जी जी अभी चूंकि जब से कोविड है तब से तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, तो कोविड वैसे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और बिफोर कोविड जो इसका था, जब हमने 2012 में ये इंस्टीट्यूट खुला है तो 15 सर्जरीज हुई थी, और उसके बाद 2013 में 35 सर्जरीज हुई थी। ग्रेजुअली हम 2017 तक हम 600 क्रॉस कर गए थे पर ईयर 600 हम क्रॉस कर गए थे सर्जरीज, तो लगभग जो है 700। अपने आप को म्यूट कर रहे हैं राजीव साहब, आप शायद से रिजेक्ट हो गए हैं। फिर गलती से सर रिजेक्ट हो गए हैं, सर फिर ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग बाकी लोग अपने को म्यूट रखें। सर ज्वाइन कर लिए फिर से। हेलो हेलो जी सर, जी सर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कंटिन्यू करें सर। जी, तो मैं ये बता रहा था कि ग्रेजुअली स्टार्ट किया गया था और ये लगभग जो है 700 के आसपास हम पहुंच गए थे 2018 तक, लेकिन जब से कोविड आया तब से इसमें थोड़ी सी अभी दिक्कत है, और इंशाल्लाह हम ग्रेजुअली और इंक्रीज कर रहे हैं, और काफ़ी हमने मॉडिफिकेशन किया है, कई कंसेप्ट लेके यहाँ मॉडिफाई किया है हमने, कि बच्चों को हम यही ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक की वीडियो इंडो ट्रेनिंग सिस्टम लॉन्च किया है जो आयुष में पहला है हमारे यहाँ, और उसके जरिए हम उनको एक डमी एब्डोमेन और स्क्रीन पर ही ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से लेप्रोस्कोपिक आप जो है अपने को कर सकें, एडवांस कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है। इसके डिफरेंट वर्कशॉप अभी रिसेंटली वर्कशॉप कराया था जो लैरिंगोस्कोपी की थी, इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी की थी, फॉरेन बॉडी रिमूवल फ्रॉम द ब्रोंकस
इस पर थी। इसे टिश्यू एनास्टोमोसिस के लिए वर्कशॉप अभी हम करा चुके हैं, इसी तरह से हमने इंडो सूचिंग पे वर्कशॉप कराई है। एनर्जी यूजेस इन सर्जरी, एक हमें नया कंसेप्ट लाया एनर्जी, जैसे अभी अम्लकई की बात की, तो अम्लकई क्या है, यूज ऑफ एनर्जी, तो यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक करंट, इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रासाउंड, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स, इन द फॉर्म ऑफ लेजर। तो उसके जरिए हमने एक कई वर्कशॉप कराई, जो जॉनसन जॉनसन से कोलेबरेट करने वाले हम पहले आयुष के इंस्टीट्यूट हैं जिसमें सर्जिकल कोलेबरेशन किया है, और जॉनसन जॉनसन में इंस्टीट्यूट है एक इनका इथिकॉन इंस्टीट्यूट इन चेन्नई, जहाँ हम बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भी वक्तन फौक्तन जैसे मौके मिलते, कोविड की वजह से बंद है वरना वहाँ भी हम भेजते रहते हैं, लेकिन वर्कशॉप को हम टाइम टू टाइम करा रहे हैं। इसके अलावा एक हमने लेजर वर्कशॉप भी कराई है, जो लेजर हेमराडेक्टमी और डिफरेंट चीज की है, और उसकी ट्रेनिंग ड्यू है मेरी एक एम्स में, वो कोविड खत्म होने के बाद इंशाल्लाह होगी जॉनसन की तरफ से, अगर वो होती है 1 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद यहाँ इंशाल्लाह हम लेजर का सेटअप भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के लेजर हेमरेडक्टिंग, लेजर शियाटिका, लेजर के जो वेरिकोज वेन, लेजर से किस तरह को ट्रीट किया जाए और बेटर आउटकम किया जा सके। जी कुछ सवाल और हैं बच्चों के, जैसे आ रहे हैं मैं उसी तरह से प्लीज सर आपसे पूछ ले रहा हूँ। प्लीज प्लीज एक बच्चे ने पूछा है कि फ्यूचर क्या है यूनानी सर्जरी का, और दूसरे ने पूछा है कि सर ये जो हम लोग सर्जरी कर पा रहे हैं इसमें कितना मॉडर्न की दवाएं पोस्ट सर्जिकल केसेस में, प्री हाँ सर्जिकल हाँ केसेस में बिल्कुल, यूज करते हैं, और यूनानी कितना करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चे का। अब इसमें जो चीज़ अभी, चूंकि हम बिगिनिंग, हम अपने पैर पे भी खड़े नहीं हो पाए सही से, क्योंकि ये जैसे कि मैंने बताया कि 1995 से ये चीज़ शुरू हुई, और दूसरे सबसे बड़ा जो हिंडर्स हम खुद हैं अपने आप के लिए, क्योंकि हमारे लोग इसको आगे बढ़ने देने में बहुत ही मोमिन नहीं है। अभी कि जैसे कि सर्जरी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एक सवाल ये था कि सर्जरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और क्या इसका फ्यूचर है। तो फ्यूचर तो ब्राइट है, फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आयुर्वेद को एक टेक्निकली परमिशन मिल गई, इसी तरह से ये टेक्निकली कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, परमिशन इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन उससे उसमें भी सबसे बड़ी कम रुकावट हमारे ही लोग हैं, कि वो उन्होंने इसके पीछे रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, इसके पीछे काम नहीं किया, चाहे वो सीसीएम के लोग हों, चाहे वो कॉलेज के हेड्स हों, किसी भी कॉलेज के हेड्स की तरफ से, चूंकि ज्यादातर कॉलेज के हेड्स या तो मेडिसिन से होंगे या कुलियात से होंगे या टीएसटीस होंगे, और मेडिसिन और कुलियात ही तो सब जाहिर सी बात है कि वो सब कोर्ट फिजिशियंस हैं, तो उनको किसी भी सर्जरी को एस्टेब्लिश करने में इतना अहम रोल नहीं है। इट विल टेक्स टाइम, मे बी इट मे बी कंसिडर, मैं यहाँ से हम यहाँ से प्रोसेस कर चुके हैं इसको, और प्रोसेस हो रहा है इसका, और गवर्नमेंट में कई लोगों से हम रुजू भी कर रहे हैं, और वो आज निकल वो हो जाएगा, वो कोई तबाह इशू नहीं है। और जहाँ तक दूसरा सवाल था कि किस तरह से हम मॉडर्न मेडिसिन पे डिपेंडेंट है, दैट्स वेरी ट्रू कि हम डिपेंडेंट हैं और हमें होना पड़ेगा, जब तक कि हम इसका कोलोबरेटिव एफर्ट नहीं कर लें। क्योंकि देखिए ऐसा है कि कोई भी डिजीज हो, जैसे कि हम अभी एक जिक्र किया हमने, और जिक्र करने का मेरा एक मकसद था कि जरासीम का नजरिया हम पढ़ते हैं मानते नहीं, तो आप हम यूनानी के आदमी भी कहते हैं कि साहब वो ऑपरेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, डॉक्टर साहब ने कहा इन्फेक्शन हो जाएगा इसलिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ठीक है, तो इन्फेक्शन तो मान रहे हैं लेकिन दवा नहीं दे रहे हैं, तो दवा कौन डिजाइन करेगा। अब जाहिर सी बात है ये एक कोलेबोरेशन का काम है, कि इसमें चाहे वो सैदला के लोग हों, चाहे वो अदविया के लोग हों, जो जो रिसर्च का एक पार्ट है, चाहे इन विट्रो हो, इन वीवो हो, कैसे भी हो, रिसर्च करके कुछ ड्रग को मार्केट में लाना पड़ेगा, चाहे सीसीआरएम का एक रोल है जो उसने कुछ नहीं किया आज तक। तो वो जब तक नहीं आएगा कि ड्रग मार्केट में कि कोई जरासीम, कुछ ऐसा नहीं कि हमारी दवा में जरासीम कुछ अदविया वो नहीं कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि बहुत से दवाओं पर रिसर्च हो रहा है और काम भी हो रहा है, लेकिन किस हद तक है, कितना है, रोका जा सकता है नहीं रोका जा सकता है, दवा जब तक मार्केट नहीं आएगी। हाँ ये ड्रवा है, इसका सुडोमोनास पे इतना इफेक्ट है, इसका स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस पे इतना इफेक्ट है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे एक्ट करेगी, ये नैरो स्पेक्ट्रम पे एक्ट करेगी, ये एनएरोबिक पे एक्ट करेगी, अगर ये दवा आज हम एडवांसमेंट को, आज उसी लकीर को हम ट्रीट कराएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे नहीं, क्योंकि हमें फिर सपोर्ट लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन लिखवाने के लिए हमें किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर का हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू राइट डाउन द एनी एलोपैथिक मेडिसिन, दैट इज वेरी ट्रू। इसीलिए हर इंस्टीट्यूट में एक एलोपैथिक डॉक्टर फॉर द सेक ऑफ नेम भी हो सकता है, फॉर द सेक ऑफ वर्क भी हो सकता है, फॉर द सेक ऑफ ऑल थिंग्स भी हो सकता है, फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन भी हो सकता है, आपको रखना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिलहाल, लेकिन आप हमेशा भी रखने पर मजबूर होंगे अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं। आपके पास कोई पेन किलर पोटेंट नहीं है कि आपने दिया और पेन रिलीफ, हम कहते हैं हमने वोवेरान का इंजेक्शन लगाया मरीज को आराम हो गया, हम कहते हैं मैंने ट्रेमाडोल दिया मरीज को आराम हो गया, लेकिन हम बताएं मेरे पास क्या है, ये बात हम पॉइंट आउट कर रहे हैं सीधे अदविया को, सैदला को हम रिसर्च इश्यू से कर रहे हैं सीधे, ये बताइए हमारे पास कोई भी एंटी इमेटिक दवा क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव मरीज को एमेसिस हो रहा है, ना ही पोस्ट ऑपरेटिव हो रहा है, ओपीडी में हो रहा है, तो किस तरह से हम उनको एंटी इमेटिक देंगे दवा, क्योंकि हमारे पास वहाँ एक बहुत बड़ा एक बिग जीरो है, एक बिग क्वेश्चन मार्क है।
कि इस तरह से अगर 3 4 दवाएं खाली अगर हम उस पर काम करके और उसको मार्केट कर सकें तो हम इसमें और ग्रोथ कर सकते हैं। अब यहाँ हम जैसे काम कर रहे हैं नॉन हीलिंग अल्सर पे, नॉन हीलिंग अल्सर पे कुछ चूंकि उसका वक्त नहीं था मेरे पास उसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने का, 7 थेसिस भी चल रही है लगभग, 5 6 थेसिस है और उस पर वर्कआउट आप देखेंगे तो विदाउट एनी एंटीबायोटिक विदाउट एनी टेकिंग ओरल मेडिसिन ओनली फॉर द लोकल अपरेशन पेशेंट कैन बी क्योर्ड, बट पेशेंट अर्लियर एडवाइस टू द एम्पुटेशन, एम्पुटेशन फॉर द नेक्रोसिस फॉर द गैंग्रीन नॉट एस्टेब्लिश गैंग्रीन बट टू लीड टू द। लेकिन क्या है हमारी दवा में अगर एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट नहीं था तो ठीक कैसे हुआ, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं कि हमारी दवा कितनी एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, उस पर लोड कितना कम हो रहा है। लेकिन ये किसी एक आदमी के पूरी दुनिया में काम करने से नहीं होगा, जब तक कि कोलोबेटिव इफेक्ट ना हो, मल्टी सेंट्रिक हो, मल्टी जगह और उसका सैंपल साइज बहुत बड़ा हो जिसपे वर्कआउट, तब इसमें कई साल लगेंगे, दसियों साल लगेंगे जब हम इस चीज को एस्टेब्लिश कर पाएंगे और साइड से जब तक हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा। हम आपको जो है हाँ इंटेंसिव फेज खत्म होने के बाद हम उसको यूनानी पे शिफ्ट कर सकते जैसे रिक्वायर। उम्मीद है जवाब से समझ में आया। यस सर जवाब मिल गया। एक सवाल सर ये भी था कि चूंकि जाहिर सी बात है आपने पहले भी कहा है कि फुल फ्लैज यूनानी में करने के लिए हमें अपनी पोस्ट लोकल एनेस्थेटिक हेलो चार्ज हेलो, करना होगा। कुछ जी सर, जैसे कुछ आपने आप कहा ऑडिबल नहीं, कि फिर से प्लीज आवाज प्लीज रिपीट योर आ रही क्वेश्चन, है सर, आप ऑडिबल नहीं थे। आप हाँ आ भाई आवाज आ रही है सर, मैं कह आ रहा रही हूँ है। जैसे आपने सर कहा कि फुल फ्लैज यूनानी में हमको करने के लिए जरूरी है कि पोस्ट एंड प्री सर्जिकल दवाएं और खास के लोकल से लेके सिस्टमिक जो एनेस्थेटिक दवाएं हैं डेवलप करना होगा, तो मेरा ये सवाल था कि क्यों ना, चूंकि बेस्ट इदारा है और बेहतरीन सर्जिकल इन्वायरमेंट आपने लैब्स बना रखे हैं वहां पे, ओटी बहुत अच्छा है, तो कुछ इस तरह के रिसर्च भी इनिशिएट किए जाए एनआईएम से बिल्कुल ताकि वो बिल्कुल मिसाल बिल्कुल, बने ये हम लोगों के लिए। बहुत ही बहुत अच्छा सवाल है और इसके पीछे मैं बहुत कोचा भी हूँ। लेकिन आप तो जानते हो जैसे कि डॉक्टर तनवीर साहब, जैसे कि आप बाकायदा जानते हो कि कोलाब्रेशन और कोऑर्डिनेशन का बड़ा लैकिंग है यूनानी में, ओनली लेग पुलिंग इज मोर, जो बहुत ही बेसिक चीज है। लेकिन ये जब तक नहीं होगा जब तक बहुत मुश्किल है। अब जैसे मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ अमले खरम का, आप एक वर्ड यूज कर रहा हूँ अमले खरम, जिसके बारे में जोहरावी ने बताया है बाकायदा अपनी किताब में, आप उनकी किताब में पढ़ सकते हैं जो उर्दू ट्रांसलेशन है उसमें मौजूद है। अमले खरम, अमले खरम इज जस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ क्षार सूत्र, रिप्लेसमेंट ऑफ क्षार सूत्र। लेकिन हम क्षार सूत्र बना के कौन देगा मुझे, मतलब उसको बनाएगा कौन? आपने हर आदमी का एक पार्ट है, हमने कहा कि ये होना है, ये होके मेरे पास आए, मैं इसको यूज करूंगा कहाँ, फिस्टुला में। तो फिस्टुला में यूज करने का काम मेरा है। आदमी यहाँ हम क्या समझते हैं, आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड, तो नो बडी कैन बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड। तो कोई भी हर चीज नहीं कर सकता जबकि उसका एक टीम ना हो, एक क्वालिटेटिव एफर्ट ना हो, जबकि लैक ऑफ स्टाफ होने के बावजूद भी वर्कआउट किया जा रहा है। लेकिन उसका वर्कआउट जब मुकम्मल हो सकता है, जब हम यूनानी प्रोसीजर्स को वैलिडेट जब ही कर सकते हैं, जब उस वैलिडेशन के लिए कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, फंडिंग, मैन पावर, मनी, मटेरियल, हर चीज की अवेलेबिलिटी एट ए टाइम, फिर जितनी एज पर अवेलेबल रिसोर्सेज जो चीज है वो चीज की जा सकती है, की जा रही है और मोर देन इनफ उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। और इसके बारे में भी हम कोशिश, जैसे हम एक एग्जाम्पल दूं, अभी मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर साहब से बाकी चीजों से मिलकर कोशिश किया है कि मरहम राल को हम मॉडिफाई करें। मरहम राल का बड़ा अच्छा इफेक्ट आया, जो बिटाडीन, बिटाडीन हमारे पास आती है, हम लोग यूज करते हैं आमतौर से, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि बिटाडीन, उस पर हमने पेपर ही पब्लिश किया हुआ है। तो बिटाडीन का रोल इतना अच्छा नहीं है जितना मरहम राल का रोल है, जितना मरहम राल का। अगर हम इसको जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, टुल्ले फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम जो है स्टरलाइज कंटेनर में, इसको हम पैक्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ले आए, तो दिस इज नॉट ए जॉब ऑफ सर्जरी, इट इज अ जॉब ऑफ एनदर डिपार्टमेंट। अगर वो जब तक चीज को हमें मंजर आम पे ला के नहीं देते, मेरी स्टडी ये होगी, अब आप इसको आगे बढ़ाइए, हम उसको आगे बढ़ाने के तैयार है, हम बैठे हुए हैं। कोई भी करके दे कि हमारा ये रिसर्च वर्क है, ये पेपर पब्लिश है, ये हमने वर्कआउट किया है, ये मॉडिफिकेशन है, ये स्टडी हो चुकी है, आप इसके आगे बढ़ाइए, हम उस पर थेसिस देने को तैयार है, उस पर काम करने को तैयार है। लेकिन सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट, एक ही आदमी, एक ही सारी चीज नहीं कर सकते। शुक्रिया सर। सर एक सवाल मेरा ये भी था कि जो मुझे देखने में लग रहा है कि 2 3 इंस्टीट्यूट्स जैसे अलीगढ़ हो गया, अजमल खान सिद्धिया कॉलेज, आप नेशनल इंस्टीट्यूट में हैं जो अभी सबसे बेहतरीन सर्जरी का जो मॉडल की तरफ हमारे सामने है, 40 के आसपास हमारे कॉलेजेस हैं, कोई यूनिफॉर्मली इस तरह की चीजें बने कि एक सर्जिकल सोसाइटी हो यूनानी की, ताकि हम ये 40 कॉलेज अगर एक साथ किसी चीज को लेकर चलते हैं तो इसका जनरलाइजेशन मैक्सिमाइजेशन बहुत आसान हो सकता है। नहीं ये और तो दूसरा बहुत इसी से जुड़ा सवाल एक ये है, एक सवाल ये है कि मैं अपने कॉलेज से रिलेटेड पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जबकि अब एक सर्जन बाकायदा अलीगढ़ से एमएस करके आ भी चुके हैं, तो क्या बेसिक स्टेप्स हो कि हम अपने यहाँ भी माइनर सर्जरी ही स्टार्ट कर सकें बहुत जल्दी से, और सर आपसे क्या हेल्प मिल सकता है हम लोग को इसमें? नहीं, बिल्कुल हेल्प की तो कोई वो नहीं है, जब आप चाहें हम हाजिर हैं।
और जहाँ तक आपका इंस्टीट्यूट है, जाहिर सी बात है, हमें बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने उस इंस्टीट्यूट को रिवाइव किया और कोशिश किया, और वो इंस्टीट्यूट आज जो है मंजर आम पे आया। आज जो है हिंदुस्तान में एक बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला इंस्टीट्यूट है आपका इंस्टीट्यूट, अल्लाह करे वो दिन दूनी रात चौनी तरक्की करे। और जहाँ तक है कि सर्जरी ही ना स्टार्ट करें, बल्कि मेरा ये मानना है कि पीजी लाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप पीजी नहीं लाएंगे उसमें दिक्कतें आती रहेंगी। और डिपार्टमेंट में देखिए दो तीन चीज चाहिए। होता क्या है कि हम अवॉइड कर जाते हैं सर्जन की बातों को कि वहाँ मैन आदमी कितने चाहिए, क्योंकि एक आदमी सर्जरी इज अ टीम वर्क, इज सिंगल मैन वर्क नहीं है। तो टीम वर्क में हमें मिनिमम टीम कितनी चाहिए, मैक्सिमम की हम बात नहीं कर रहे, मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है वो टीम चाहिए। फिर पैसे की कहाँ इनफ्लो है, मिनिमम नॉट मैक्सिमम। फिर क्या है कि हमें मटेरियल क्या चाहिए, ऑटोक्लेव चाहिए तो चाहिए, ऑटोक्लेव कौन सा चाहिए वो हमें चाहिए। हम नहीं करें कि उसको आप हमें 1 करोड़ वाला ऑटोक्लेव चाहिए, ठीक है हम कम से कम 2 लाख वाला तो खरीद सकते हैं ना, छोटे ही खरीद लें तो 2 लाख वाला तो खरीद ले। हम ओटी टेबल हम नहीं कह रहे हैं कि ओटी टेबल हमें 25 लाख की होनी चाहिए, 50 लाख की होनी चाहिए, ठीक है कम से कम 5 लाख की तो खरीद सकते हैं ना। तो जब तक हम उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेबलाइजेशन को मेंटेन नहीं रखेंगे, यानी जरासीम के नजरिए पे काम नहीं रहेंगे, तब तक हम ओटी को संचालित आगे नहीं बढ़ा सकते, आगे नहीं कर सकते। स्टेबिलिटी इज द मेन की ऑफ सक्सेस, स्टेबिलिटी और जो भी टेक्निकल पर्सन है वो एक्सपर्टीज उसके पास होनी चाहिए जब भी हम सक्सेस होते हैं। और ये बहुत ही माइनर ओटी तो आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा स्किलेशन की नीड नहीं है। अगर हम एक्सेस कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्किलिटी की भी नीड नहीं है, उसको तो हम ओपीडी बेसिस पे करके हम भेज सकते हैं घर। सर्कमसीजन है, ओपीडी बेसिस पे हम करके भेज सकते हैं घर। तो मेरे ख्याल से 20-25 सर्जरीज ऐसी हैं जो हम सिर्फ ओपीडी बेसिस पे कर सकते हैं। और शुरुआत जैसी कि आपकी सोच है बड़ी अच्छी है कि अगर हम इस पे शुरू करें तो एक अच्छी शुरुआत होगी और बच्चों को सीखने को मिलेगा, ये ज्यादा अच्छा होगा। और बच्चे क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग हैं आजकल, वो सर्जरी की तरफ बढ़ने, दुनिया सर्जरी पर भाग रही, क्योंकि एक उरूज आ चुका है मेडिसिन में, एक एंड आ चुका है, एंटीबायोटिक खाते खाते और बाकी दवा खाते खाते। अब सर्जरी में एक चीज है कि जो एक बड़ा एडवेंचरस है और बड़े मजेदार चीज भी है, सिखाती भी है और सीखती भी है, और बड़ा ही मजेदार प्रोफेशन है। तो आप शुरू करें और मेरी यह शुभकामनाएं आपके साथ। शुक्रिया सर, आप बहुत अच्छे से सर्जरी का वहाँ रिसर्च भी सर्जरी में करवा पा रहे हैं। ना कि जब रिसर्च नहीं आया था तब भी मैंने देखा था करीब से कि किस तरह से बहुत जल्दी से आपने ओटी को ऑर्गेनाइज किया, और फिलहाल जो भी स्टूडेंट अवेलेबल थे मौलजात के दीगर, उसको किस तरह से आपने जोड़ा अपने साथ। जो आपका ये कोहेसिवनेस का नजरिया है ये बहुत ही इंस्पायर करता है स्टूडेंट्स को। एक सवाल मेरा ये था कि आप जो अपने यहाँ एमएस करवा रहे हैं बच्चों को, किस तरह के कामों में उसको इन्वॉल्व करते हैं, किस तरह की ड्यूटीज आप उनको दे पाते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो इंस्पायर करेंगे एमएस निकाल के करने के लिए उनको बहुत ही ज्यादा। खूबसूरत सवाल आपने पूछा है। एक थोड़ा सा छोटा सा जवाब एक और दूंगा, जो पहले एक सवाल रह गया था आपका कि ये है यूनानी कॉलेज 40 हैं, उनमें कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन की ओके कमी है, ओके 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 सर, और वो थोड़ा सा रह गया था वो। तो उसमें मकसद ये है कि उसमें जब तक हम अपने को जैक ऑफ ऑल ट्रेड समझते रहे कि मैं ही सबसे काबिल हूँ, तब तक हम कभी कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन जो है हमेशा जो है प्यार से आता है और सीखने से आता है, वर्क कल्चर से आता है। तो वर्क कल्चर बहुत जरूरी है, और यूनानी में वर्क कल्चर लगभग विजिबल है। वर्क कल्चर में अगर हम समझें कि अगर हम एक हम इंस्टीट्यूशनलाइज एनआईएम, एक हम बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूट हम मानते हैं, बड़ा अच्छा वर्क करते हैं, बड़ा अच्छा काम होता है, लेकिन अगर हम किसी एक डिपार्टमेंट को ये ले लें कि सारे पीजी मिलकर जितना काम करते हैं, इससे ज्यादा एक पीजी खाली मेडिकल कॉलेज में वर्कआउट करता है। और वर्क कल्चर का एटीट्यूड आप ये देख सकते हैं, सारे टीचर मिलकर इतना काम करते हैं तो वहाँ का एक टीचर काम करता है। तो और हम फिर ये भी चाहते हैं कि हम उनके बराबर भी हो जाए। तो चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो, सबसे ज्यादा गलती मैं टीचर की मानता हूँ कि टीचर जो है वो प्रॉपर बच्चों को कन्वे नहीं करता नॉलेज को, प्रॉपर बच्चों से वर्कआउट नहीं लेता। अब दूसरा सवाल जो इसी से जुड़ा हुआ उसी को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ यहाँ, कि जैसे कि हमारे बहुत से डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। फर्स्ट डे एडमिशन के बाद ही मैं उनसे कहता हूँ कि आप 24x7x365 के आप यहाँ हैं, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, छुट्टी क्या है और बाकी चीज क्या है। उनका काम है कि रात में 3 बजे सर्जरी है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में हूँ, मैं अगर नहीं भी आऊँ तनख्वाह मुझे उतनी ही मिलनी है। रात में 3 बजे भी सर्जरी होती है तो 3 बजे भी आना है, रात में 10 बजे हो रही है तो 10 बजे भी आना है, रहना है, मेंटेन करना है, सारी चीजें करनी है, जबकि हमारे पास भी स्टाफ बहुत कम है। खाली हमारे पास अटेंडर्स है, टेक्नीशियंस नहीं है, बाकी लोग नहीं है, लेकिन हम उसको मैनेज करते हैं और सारी चीजें करते हैं। बच्चों को होता है कि उनकी ओपीडी ड्यूटी, आईपीडी ड्यूटी, आईपीडी टीचिंग, ओपीडी टीचिंग, ओटी टीचिंग, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें रहती हैं। और बच्चों को ऑफिशियल ड्यूटी तो 9:30 to 4:30 है, लेकिन अनऑफिशियली वो पूरा टाइम उनको यहाँ रहना होता है। और उनके क्लास की कोई टाइमिंग नहीं है, उनकी टीचिंग की कोई टाइमिंग नहीं, जो भी टाइम टेबल इज नो पढ़, ये तो एक फॉर्मेलिटी है, खाना पूरी है कि ये पढ़ाना ये करना है। एक्चुअल इट इज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हम यूनानी में ये समझते हैं कि बोर्ड साइड टीचिंग इज द सर्जरी, सर्जरी नेवर गो फॉर द बोर्ड साइड, सर्जरी इज ए जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट है उनकी टीचिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल साइड हो सकती है, वो बोर्ड साइड सिर्फ आप उसको एक जस्टिफाई कर सकते हैं बस।
तो बच्चे चूंकि इतने सक्षम होते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, खुद मेहनत कर सकते हैं, अगर आप उनको कुछ देंगे तो रात में 12 बजे भी जाते हैं। तो आज हमारे यहाँ ये है कि बच्चे 12 बजे हों, 1 बजे हों, रात में 3 बजे हों, 2 दिन हों, 3 दिन हों, वो घर नहीं भी जाएंगे, वो यहीं रहेंगे और मेहनत करते हैं, उस पर काम करते हैं, और उसका फल हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे मैक्सिमम बाहर हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और सीख के गए हैं। और उसमें बड़ी खुशी होती है कि सीख के गए, उनका शोल्डर अप होता है, किसी भी चीज देख के मरूब नहीं होते हैं, किसी भी डॉक्टर को देख के थोड़ा सा वो डरते नहीं है, दबते नहीं है, उनको पता है, उन्होंने हर चीज देखी हुई, हर चीज की भी एक्सपोजर उनको काफी अच्छा होता है। तो वर्कआउट के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, जो हम उनसे साफ कहते हैं कि वर्क कल्चर में यहाँ आना होगा, यूनानी रवेश को छोड़ना होगा। यूनानी चूंकि मेरी ट्रेनिंग भी मॉडर्न के लोग के बीच भी है, मैं वैसी ट्रेनिंग और उससे बेटर ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ ट्रेनिंग उनको दी जाए, उनको है हर तरीके कॉन्फ्रेंसेस कोई होती है तो वहां ही भेजता हूँ, कॉन्फ्रेंस में जाना है, इवन कोई एक बच्चे भेजा वो श्रीलंका भी गया हुआ था कॉन्फ्रेंस में, बाकी यहाँ लोकल कॉन्फ्रेंस होती है उनमें ही भेजता रहता हूँ, खुद लेके भी जाता हूँ, उसका ट्रेनिंग पे भेजता हूँ, उसका यहाँ वर्कशॉप कराता हूँ, उनको ट्रेन करता हूँ, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देता हूँ बनस्बत की बोर्ड साइड टीचिंग। बोर्ड साइड टीचिंग भी जितना सिलेबस में है, जितना टाइम टेबल में वो होती है, लेकिन हर उस पर इतना कम होता है, मेन होता है प्रैक्टिकल टीचिंग। तो प्रैक्टिकल मेरा मानना है कि जो डायग्नोसिस सबसे अहम चीज है पेशेंट की, अगर एग्जामिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, हिस्ट्री टेकिंग प्रॉपर होना चाहिए, यानी हिस्ट्री प्लस एग्जामिनेशन इज इक्वल टू डायग्नोसिस। अगर डायग्नोसिस नहीं आती तो आप हर प्रोफेशन में फेल हैं, चाहे आप सर्जरी में हो, चाहे मेडिसिन में, कहीं भी हो, आप हर जगह फेल हैं। इफ यू मेक ए डायग्नोसिस दैट मीन्स आपने 90% अचीव कर। तो ट्रीटमेंट इज नॉट ए बिग डील, ट्रीटमेंट तो कोई भी कर सकता है, ट्रीटमेंट एक आर्ट है, वो चाहे आप किताब से पढ़ के भी कर सकते हो, देख के भी कर सकते हो, सीख के भी कर सकते हो। तो बिग डील इज द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस नेवर मेंशन इन द बुक। और कोई भी चीज बुक आपको मिल जाए ओपीडी में ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए जरूरी है प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, प्रॉपर एग्जामिनेशन एंड मेक ए डायग्नोसिस, एंड आफ्टर मेकिंग ए डायग्नोसिस गो फॉर द ट्रीटमेंट एंड केस सिलेक्शन। केस सिलेक्शन हम क्या करते हैं कि हर मरीज को एक ही दवा देते हैं, लेकिन केस सिलेक्शन नहीं करते कौन सफरावी है, कौन दमवी है, कौन सौदावी है, हम तो बस ये देते हैं ये दवा दे देना है। उम्मीद है बात समझ एग्जैक्टली में सर, आएगी। बस दो छोटे छोटे सवाल और हैं, चूंकि आप इतने अच्छे तरीके से हम लोग को जवाब दे रहे हैं तो थोड़ी सी और गुंजाइश बन पा रही है। एक सवाल ये है पहला, कि जिस तरह से हमें जरूरत हो रही है कि अपनी यूनानी ड्रग्स हो जो सर्जरी में पोस्ट या प्री इस्तेमाल हो, बहुत सारी ड्रग्स है आपने पहले भी जिक्र किया, हम भी जानते हैं, उसी तरह से जो टेक्निकल इन्वॉल्व होते हैं सर्जरी में, जैसे कोई ओटी मैनेजमेंट करके आया है या कोई एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से नीचे है या इंस्ट्रूमेंटेशन को देखने वाला है, क्या इसकी जरूरत नहीं है कि इस तरह के कोर्स भी यूनानी में आए, डिप्लोमा टाइप के, सर्टिफिकेट टाइप के, जो हम इसको फिल कर सकें ये आगे? तो बहुत बहुत अशद जरूरत है इसकी, बहुत अशद, बाकी बल्कि वो कोर्स इस स्टैंडर्ड होना चाहिए कोई यूनानी में नहीं बल्कि दूसरे प्रोफेशन में भी जा सके, क्योंकि ये कोई एक्चुअल ये यूनानी सिलेबस नहीं है, बल्कि ये तो एक तरीके से मैनेजमेंट कोर्स है। ये ओटी टेक्नीशियन का कोर्स हो गया, सीएसएसडी टेक्नीशियन, जैसे सीएसएसडी फर्स्ट इन यूनानी है इन इंडिया, हमारे यहाँ जो हमने स्टेब्लिश किया है सेंट्रलाइज सप्लाई, सेंट्रलाइज सप्लाई डिवीजन, तो जाहिर सी बात है उसके टेक्नीशियंस नहीं है, तो जाहिर सी बात है अभी हम ही चला रहे हैं उसको, उसी को हम ही मोटिवेट कर रहे हैं और दूसरों को सिखा के करके वो काम कर रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट अ वे। हर आदमी का अपना एक रोल है, वो होना चाहिए। और अगर इस तरह कोर्स का मैं बड़ा ख्वाह हूँ कि ये कोर्स हमेशा होना चाहिए, जैसे मैं ख्वाह हूँ कि हमारे एक आर्थोपेडिक्स का डिप्लोमा पहले स्टार्ट हो फिर पीजी स्टार्ट हो, मैं ख्वाह हूँ कि हमारे पहले ऑप्टोमेट्री का डिप्लोमा स्टार्ट हो फिर ऑप्टोमोलॉजी स्टार्ट हो, मैं चाह रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ इवेंट होना चाहिए, जैसे एनास्थीसिया में एक डिप्लोमा स्टार्ट हो, जैसे रेडियोलॉजी में एक डिप्लोमा जो कि अलीगढ़ में चलता भी था पहले, रेडियोलॉजी डिप्लोमा वो खत्म हो गया, रेडियोलॉजी डिप्लोमा, जैसे हमारे बच्चे रेडियोलॉजी से बिल्कुल दूर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, जब तक आप रेडियोलॉजी एनाटॉमी और रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी से नहीं मानते, एक टर्म आता है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, जब तक रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी से आप नहीं बहरामंद होंगे तब तक क्या होगा कि आप डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, कहीं भी आप टोटली डिपेंड हो जाएंगे रिपोर्ट पर, और रिपोर्ट हो सकता है कि उसमें एरर हो सकती है, उसमें 5% आपको कुछ गड़बड़ भी मिल सकता है, तो आप गलत डायग्नोसिस करके, मतलब वो राइट साइड रीनल कैलकुलस था और आपको रिपोर्ट आई लेफ्ट में, आपने लेफ्ट किडनी ऑपरेट कर दी, राइट साइड नॉर्मल रह गई, तो इसमें कम से कम हमें उसका ऑब्जर्वेशन एज पर क्लिनिकल कोरिलेशन और बाकी चीजों को आना चाहिए। और कोर्सेज की बात है, बहुत जरूरी चीज है कोर्स हमारे ओटी टेक्नीशियंस की, बाकायदा खुले हमारे अपने जो है ओटी सिस्टर्स होनी चाहिए, हमारी अपनी हम आईसीयू की प्लानिंग कर रहे हैं, आईसीयू में वेंटिलेटर हमारे पास आ चुके हैं, हम उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं आगे चल के, तो वो भी इंशाल्लाह होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कोर्स है, लेकिन ये एक काम ये स्टेचरी बॉडी का है कि वो इस तरह की चीजों को बुलाए, एक मीटिंग करे जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स को बुलाए और बुलाने के बाद इनकी मीट करे कि व्हाट इज द नीड इन द फ्यूचर, और करंट नीड क्या है, फ्यूचर नीड क्या है, उसकी शॉर्ट स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाए, फिर लॉन्ग स्ट्रेटजी, लॉन्ग प्लानिंग बनाए, और प्लानिंग बनाने के बाद हम जो है हमें छोड़ दे किसी और को भी जिसको भी बेहतर समझते हैं उनको बुलाएं और बैठ के इस चीज को डिसाइड करें, और डिसाइड करने के बाद फिर ये तय होगा कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है नहीं है, कितना सिलेबस है, क्योंकि तो ये एक वर्कशॉप की नीड है, इस पर पूरी वर्कशॉप हो तब ये चीज क्लियर होगी कि क्या चीज हो सकता है, क्या चीज पॉसिबल है, क्या चीज नॉट पॉसिबल है,
और मुझे उम्मीद है सब चीज़ पॉसिबल है, जैसा कि आप कह रहे हैं आपकी सोच बड़ी अच्छी है इस मामले में, और ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि इस चीज़ को शुरू किया जाए जिससे जो है प्रोपोगेशन हो सके। और मेरा एक यही मानना है कि हर कॉलेज कोशिश करना चाहिए, खासकर गवर्नमेंट को एटलीस्ट कि जरूर एम एस खोलें, अगर वो नहीं खोले तो कल को ये प्रोफेशन खाली NIM से खाली अलीगढ़ से नहीं चलेगा, क्योंकि आप नकार खाने में तूती की आवाज़ के दो आदमी हिंदुस्तान में 10 साल जाने क्या फायदा, उसे कौन जानता है, नहीं जानता कोई, तो इसलिए कोशिश ये भी होनी चाहिए। सर, इससे पहले कि मैं अपना आखिरी सवाल पूछूं, बच्चे का एक सवाल जैसे आया मैं वैसे ही पूछ लेता हूं। सर, हाउ यू अचीव दिस प्रोफेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस टू बी लाइक यू? हाँ देखिए, ऐसा है कि मेरा तो एक बड़ा अजब एक्सपीरियंस रहा, और बच्चे ने हमारी कुछ पर्सनल चीज़ें मुझे पूछ ली। मैं यूनानी करना नहीं चाहता था, मैं यूनानी करना नहीं चाहता था, और यूनानी में मैंने एडमिशन अपने घर वालों के दबाव में ले लिया, बस ये हुआ, और घर वालों दबाव में टेस्ट दिया और एडमिशन में ले लिया, अलीगढ़ में एडमिशन हो गया। उसके बाद कैसे तैसे, उस वक्त जो है वाइस चांसलर भी थे, वो हमारे रिलेटिव थे, वो वाइस चांसलर हुआ करते थे, और कैसे तैसे करके उसको 1985 C में ये हुआ कि मैं घास फूस नहीं पाऊंगा, मैं दोबारा सर्जरी करूंगा। मैं कहना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ, आज मुझे यूनानी से इंटरेस्ट हुआ, बाद में आने के बाद इंटरेस्ट हुआ उसमें। और हम आए और हमने फिर, चूंकि हमारे फादर भी डॉक्टर थे, वो हमने क्या किया कि 1995 C में वाइस चांसलर के पास 95 C में पावर होती है, वो MS खोल दिया वाइस चांसलर ने, और हमने जो पास आउट किया वो 97 में किया। तो हमने प्रोसेस कर दिया था और MS खुलवाने की पूरी कोशिश की, और MS खुलवाने में भाई कहीं ना कहीं, मतलब वो चाहे आप समझ लें कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कुछ रोल मेरा था वाइस चांसलर, जो कि मेरे रिलेटिव थे, और उसको रिवाइव करने के लिए, और अनिल इस्माइल साहब जो हमारे प्रोफेसर थे उनसे मिलके इसको बढ़ाने के लिए कोशा रहा मैं, और ये खुला। उसके बाद वहाँ टेस्ट हुआ करता था उस जमाने में PG का, कि 5 सवाल खाली हल करने हैं, तो उसमें नकल भी हो जाती थी और सोच भी लगते थे, जुगाड़ लगते थे, लोग सिलेक्शन, मैंने कहा मेरा तो कोई रिश्तेदार है नहीं, मेरा सिलेक्शन कौन करेगा। तो कोशिश की और उसके बाद इसको कराया ऑब्जेक्टिव टाइप, कि ऑब्जेक्टिव में इंशाल्लाह काट नहीं पाया कोई, तो ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद वो किया, जब हम MS में आए तो हमको ये लगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा। जो बात है हकीकत, वो मैं जो बच्चा पूछना चाह रहा है उसकी वजह यही है कि मैं जब तक यूनानी में था हमने ये पढ़ाया तुम्हें यही जवाब देना है। कुछ टीचर ऐसे भी थे साहब मेरी पढ़ाई साहब हट नहीं सकते, देखो जो मैंने रटवाया बस वही से बताना है, जो मैंने किताब लिखी उसी से आंसर लिखना है। कुछ क्लास नहीं लेते थे, कुछ आते ही नहीं थे, अटेंडेंस दे दो, ये हम अच्छे इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, कुछ पढ़ाते भी थे, उनका आज भी दिल से काफी रिस्पेक्ट है। जब हम हाउस जॉब में आए वहां से मुझे कुछ वो मिला, इंकरेजमेंट मिला, और फिर मैं MS में आया। MS में आने के बाद मेरी एक लाइफ बिल्कुल चेंज हुई और मेरी सोच बिल्कुल अलग हटी। मेरी सोच ये हटी कि जो मैंने भी नहीं सीखा वो मैं बच्चों को सिखाने की कोशिश करूँ, और बहुत सी कमियां हमें रह गई वो हम सीख के बच्चों को सिखाएं, और जो हम लैग करते थे, और चूंकि हमने अपनी ड्यूटीज मेडिकल कॉलेज में लगवाई, मेडिकल कॉलेज में रहे, गांधी आई हॉस्पिटल में रहे, JNMC में रहे, हम सुबह के निकलते रात में 10-11 बजे घर घुसते थे उस टाइम में, बहरहाल एक अलग की बात है। लेकिन MS में आने के बाद मेरा अपना बॉडी लैंग्वेज अलग हुआ, मेरा शोल्डर अप हुआ, और मुझे लगा आई एम समथिंग। इवन मुझको कुछ लोग कहा करते थे कि साहब अरे जाओ तुम लोग तो वो बंधुआ मजदूर हो और बगैर पैसे काम करते हो, स्टाइपेंड नहीं था, और जो हमारे साथी थे वो कहते थे तो मुझे तो स्टाइपेंड मिलते हैं, और बाहर होटल पे ढाबों पे चाय पिया करते थे, मेरे पास चाय के पैसे भी नहीं है, मैं चाय पीता भी नहीं, चाय के पैसे भी नहीं। तो हम कहते थे वो ठीक है तुम 3 साल कमा लो, मैं इंशाल्लाह 3 साल के बाद कमाऊंगा। और आज वो दिन है कि आज माशाल्लाह की, और मैं भी ये चाहता हूँ मेरा बच्चा, हर जो बच्चा यहाँ से निकल रहा हो वो बच्चा अपने में एक इंस्टीट्यूट हो, अपने में एक खुद साख्ता, वो हर चीज़ हो, मेडिसिन भी हो, सर्जरी भी हो, एनास्थीसिया भी हो, हर चीज़ वो जानता हो, किसी चीज़ से उसमें कमी मौजूद ना हो, बाकी बाकी उसकी मर्जी, वो कितनी मेहनत करता है ये उसके उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने तो भाई बहुत अचीव किया, बहुत पाया, और आज हम जो भी अल्लाह ने हमें दिया है वो इसी प्रोफेशन के जरिए दिया है, और इस प्रोफेशन को आज हम पा रहे हैं, और मैं नहीं जानता लेकिन लोग समझते होंगे कि ये आज इस प्रोफेशन को जिंदा करने मेरा भी एक रोल है इसमें, और कोशिश कर रहा हूँ, और इस और मेरा ये टारगेट है कि मैं इसको रोबोटिक सर्जरी तक इंस्टीट्यूट को ले जाऊँ, और यूनानी में एक स्टैंडर्ड सेट करूँ अपनी रोबोटिक सर्जरी। थैंक यू। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि इन चीज़ों के लिए, बच्चों को शायद ना पता हो कि ना कि सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट का जो सर्जिकल सेटअप है उसको डेवलप करने में सर ने दिन रात एक कर दी, जाहिर सी बात है फैमिली सबके पास होती, उसके बाद भी सर का जो स्ट्रगल है उसके लिए और फिर विद इन द सिस्टम स्ट्रगल करके आना, ये बड़ी बात है। बहुत सारे आइडियाज हैं अभी जो सर के दिए हुए हैं, जो अभी आयुष में काम भी कर रहे हैं सर्जरी को लेके। सर ने जो स्टेट यूनानी कॉलेज था भोपाल का, उसको भी ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से बढ़े, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाफ ज्यादा से ज्यादा वहां आ सके, उसमें भी सर का बड़ा रोल है। आखिरी क्वेश्चन से मैं खत्म करना चाहूंगा कि सर, फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि चूंकि बच्चों में थ्रस्ट बहुत ज्यादा है सर्जरी को लेके,
और जाहिर सी बात है ये चीज अगर यूनानी से जुड़ती है तो एक बड़ा हिस्सा जो यूनानी के बच्चों का है वो इस चीज को अच्छे से महसूस करेंगे और इस कोर्स में और उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो मेरा ये आपसे वो रिक्वेस्ट है, इस तरह की कोई यूनानी सर्जिकल सोसाइटी बनाए जिसके आपके काम को और ज्यादा डिफरेंट, जो खास गवर्नमेंट कॉलेज में ये शुरू किया जा सके, जो प्रोसीजर्स हैं, जो काम आप करते हैं या आपके क्लास तक जो एक्सेस है वो लीगली जहां तक परमिट हो हम लोग भी उसमें एक्सेस कर सके। इसी बहाने सारे कॉलेजेस के मूड बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग सारे कॉलेजेस को आज हो रहे हैं, पैसे की कमी नहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस को, लेकिन एक विल पावर है जो उनको चाहिए था। उसके लिए मैं चाह रहा था कि आप इस तरह की एक सर्जिकल सोसाइटी यूनानी की बनाएं, इंस्पायर कर सकें और ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में हम सर्जिकल प्रोसीजर शुरू कर सकें। ये ओपनिंग लास्ट रिमार्क्स सर। हाँ, तो इसमें मेरा कहना यह है कि अभी तक तो हमारा ये तीसरा कॉलेज है एस्टेब्लिशमेंट का। पहला मैंने देवबंद में एस्टेब्लिश किया जहाँ MS हो रहा है, दूसरा हमने भोपाल में एस्टेब्लिश किया जैसे आपने जिक्र किया, वहाँ चूंकि मैं इधर आ गया इसलिए MS वहाँ, अभी वहाँ PG नहीं स्टार्ट हुआ। तीसरा मैं यहाँ NIM आया और यहाँ शुरू हुआ। जहाँ तक सर्जिकल सोसाइटी की बात है, इसके लिए वर्कआउट काफ़ी किया जा रहा है और हो भी रहा है। और इसमें अभी तक तो एक यूनानी सर्जन्स का एक ग्रुप खाली बना हुआ है जो टेड ग्रुप है। अभी यूनानी सर्जन्स को जितने भी यूनानी से पास आउट MS है उन सबको जोड़ा गया है, जितने भी यूनानी से पास आउट MS हैं और जो किसी न किसी लेवल पे, इवन वो स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में भी हैं तो उनको जोड़ा गया है इसमें। और उसके पहली चीज तो हम ये चाहेंगे कि उसमें बल्क आ जाए, एक चीज उसमें बल्क आए, क्योंकि अगर हम चार लोग मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं उसमें ज्यादा रोल नहीं होता। और मैक्सिमम जो रोल है सोसाइटी का वो टेक्निकल ज्यादा है, ऑफिशियल ज्यादा है बनिस्बत एक्सपर्टीज का। एक्सपर्टीज लास्ट में आती है इसमें, क्योंकि टेक्निकली बात यह है कि अगर हम कुछ चीजें चाहते हैं कुछ करते हैं तो ऐसा डीलिंग जो होती है वो सिर्फ सेंटर से हो सकती है या बाकी। तो ऐसे लोगों को जो अभी मेरी कोशिश है कि जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, अलीगढ़ में रहने वाले लोग हैं, लखनऊ के रहने वाले लोग हैं, जो आसपास के रहे जो MS हों या बाकी लोग हों जो उसमें इंटरेस्टिंग हों, वो मिलके एक सोसाइटी तो बन रही है, सोसाइटी तो बनने जा रही है, लेकिन उन लोगों को पोस्ट पिलाया जाए क्योंकि वो दिल्ली दौड़ सकते हैं आसानी से। इसीलिए गवर्नमेंट पोस्ट वाला अगर कोई बंदा है वो डायरेक्ट किसी चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकता किसी गवर्नमेंट रोल में, चाहे स्टेचरी बॉडी का रोल हो या किसी, वो प्रॉपर चैनल करेगा तो उसके जो एफर्ट है उसमें कमी आ जाती है। इससे प्राइवेट का रोल काफी बढ़ जाता है, इससे प्राइवेट का रोल बढ़ जाता है और जो लोग जो है नॉन स्टेक होल्डर्स उनका रोल बढ़ जाता है। अब अगर कोई रोल बढ़ता भी है तो सपोर्टिव मेजर से कहता है। दूसरा सबसे अहम कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे यूनानी में ये सिलेबस में ये मॉडिफिकेशन हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे ये कोर्सेज का इम्प्लीमेंटेशन हो, हम ये चाहते हैं जैसे मैंने अभी एक कोशिश करी कि जैसे कि हमारे PhD हो रही है, से आपसे लीक से हट के बात कर रहा हूँ, तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि PhD ना हो, लेकिन वाई इन इन सर्जरी, वाई इन गाइनकोलॉजी, वाई इन अदर क्लिनिकल सब्जेक्ट, वाई नॉट MCH, वाई नॉट MCH इन सर्जरी, ओनली द नेम चेंज। लेकिन हमारे ही यूनानी के जो जो अतिब्बा हजरात आज भी जो मौजूद हैं वो कहते हैं कि यह अरे हम तो BMS को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो हम MS को जस्टिफाई नहीं कर सकते तो MCH कहाँ से करेंगे, तो PhD क्यों कर रहे हैं। अब अगर PhD आप करते हैं, मैं अपने बोर्ड पे लिखता हूँ IIM BUMS MS PhD, या खाली लिख दो, आमतौर से लोग लास्ट डिग्री लिखते हैं, फाइनल डिग्री PhD, मैं लिखूंगा शाह आलम MS, तो MS की इम्पोर्टेंस ज्यादा होगी या PhD की होगी। आज डिग्री की वैल्यूएशन है। आज आप मेडिसिन में कर रहे हो, आप DM लाओ ना, उसमें नॉमेनक्लेचर चेंज करो उसका। लेकिन मेरी बात, हम 2 साल से इसके पीछे लगे, जब CCI मौजूद थी उस वक्त मैंने इसमें जुबैर साहब और बाकी लोगों से मिलकर, मैं चेन्नई में गया और इसमें मैंने उनसे बात की कि इसमें हम नामनक्लेचर को चेंज करें, उन्होंने इस मीटिंग में इस बात को रखवाया भी, इस एजेंडे को, और उस मीटिंग में हमारे ही यूनानी के लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा इस स्टेज पर, उन्होंने इसको टर्न डाउन कराया कि इसमें यह है MCH, कोई भी MCH नाम ना रखा जाए और DM नाम रखा है, इसको PhD रखा है, क्योंकि मेरे यहाँ PhD होती है इसलिए उनके यहाँ भी PhD होगी। तो आप जब सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक सोच को नहीं बदलेंगे, नजरियात को नहीं बदलेंगे, वर्क कल्चर को नहीं बदलेंगे, अपने जो है मामला को नहीं बदलेंगे, और ये नहीं समझेंगे कि मेरी रोल अपनी जगह है, हर सब्जेक्ट अपनी जगह बेहतर है, हर चीज अपनी जगह बेहतर है, लेकिन उनके यहाँ क्यों MCH मिले जबकि इसमें कोई सिलेबस चेंज नहीं होना है, कोई प्रोटोकॉल चेंज नहीं होना है, सिर्फ चेंज क्या होना है, नॉमन क्लेचर। और नॉमन क्लेचर कहाँ से चेंज होगा, स्टेचरी बॉडी से। स्टेचरी बॉडी जो है मीटिंग में किसको बुलाएगी, उनको बुलाएगी जिनको आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो अल्टीमेट होगा क्या, अल्टीमेट होगा वो सब टर्न डाउन हो जाएगा, और टर्न डाउन होने के बाद वो सारी चीजें रह जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, आपने सर को सुना, लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे से सर आपके साथ थे और सर ने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स की तरफ से और सारे इंतजामिया की तरफ से। ये कोशिश थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग
नहीं तो बहुत उम्मीद है सारे आप लोगों को सवाल क्या पूछा फायदा हुआ आपने। होगा इससे, कुछ ना कुछ बूस्टअप मिला होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी मिली होगी, और मैं एनर्जी के लिए बैठा था कि एनर्जी दी जाए आप लोगों को, और क्या कमी है मेरे उस पर ज्यादा ध्यान था, और कैसे इम्प्रूव किया जाता है उस पर भी ध्यान था, तो ये इम्पोर्टेंट डेफिनेटली है। सर, सर एक क्वेश्चन है, डेफिनेटली सर, बच्चे हाँ पूछें पूछें। सर जहाँ जहाँ आप अभी हैं वहाँ पे जो सर्जरी होता है वो सबसे ज्यादा किस तरह का सर्जरी होता है, और कौन सा सर्जरी है जो सबसे ज्यादा सक्सेस होता है? देखिए जहाँ तक आप सर्जरी की बात करें, जब मैं यहाँ आया था तो कोई सर्जरी नहीं होती थी, और डिपार्टमेंट ये पिछले 14 ईयर्स से था, और हमें तो बिल्कुल जैसे कि तनवीर शायद जानते भी हो कि उस टाइम से ज़मीनें थी और कुछ नहीं था, थोड़ा मोड़ी चीज़ें थी, और बाकी सब डेवलपमेंट ग्रेजुअली हुआ। सर्जरी डिपेंड करती है कि आपके ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। अभी तक जो हमारे यहाँ सर्जरीज हैं वो अच्छी खासी सर्जरीज होती है, जिसमें हमारा रीनल सर्जरी अलीगढ़ में होती है, यहाँ नहीं होती। यहाँ हम प्रोक्टोलॉजी, प्रोक्टोलॉजी जितनी सर्जरीज है, इंटेस्टिनल जितनी सर्जरीज हैं वो सारी होती हैं, हर्नियल जितनी सर्जरीज हैं वो ज्यादा होती हैं, स्किन ट्यूमर्स हैं वो सारे हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर हैं सारे हो रहे हैं, थायराइड थायराइड कैंसर की सर्जरीज यहाँ हो रही है, एम्पुटेशन है, फीमर अप टू फीमर एम्पुटेशन यहाँ हो रहा है, इवन और बहुत सारी सर्जरीज हैं जो हो रही है, उनका नाम मैंने एक लिस्ट भी दी थी, उसमें से मेजोरिटी ऑफ सर्जरीज हमारे यहाँ हो रही है। और अभी तक आपको जानकर खुशी होगी कि एक भी कैजुअलिटी हमारे यहाँ रिपोर्टेड नहीं है, एक भी पोस्ट ऑपरेटिव जो है सीरियस इन्फेक्टिव केस मौजूद जो है रिपोर्टेड नहीं है, एक भी केस अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो यहाँ से हमें रिफर करना पड़ा हो बाहर, टिल डेट पिछले जो है जो हमें 8 साल 9 साल यहाँ गुजरे हैं इतने सालों की सर्जरी में, क्योंकि तो हम केस सिलेक्शन करते हैं, केस का प्रॉपर मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, 6 स्टेज इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन कराते हैं, क्योंकि तो पेशेंट की डेथ सर्जरी से नहीं होती, पेशेंट की डेथ होती है एनास्थीसिया से, प्रॉपर एनास्थेटिस्ट हमारे पास है, हम प्रॉपर स्टेबलाइजेशन हमारे पास है, हम सर्जरीज को एज पर रूल एज पर बुक करते हैं, कोई भी हम उसमें कोई गिव इन टेक मामला नहीं होता है, इसलिए हम पेशेंट के साथ उस तरह काम करते हैं जिस तरह एक किताब में लिखा होता है, इसी तरह हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो इसलिए सर्जरीज तो बहुत टाइप की होती है, तो सर्जरीज के टाइप तो डिपेंड करता है केस के आने पर, लेकिन मेजोरिटी ऑफ सर्जरी प्रोक्टोलॉजी, मेजोरिटी ऑफ सर्जरीज हर्नियास। अगर आप सिर्फ एक साल एग्जाम्पल कोट कर लिए, आप सिर्फ बॉटम सर्जरीज के एक्सपर्ट हो जाए, सिर्फ पाइल फिशर फिस्टुला और इनके पॉलिप के, तो आप समझिए आपको पैसे छापने की मशीन है, आपके पास कम नहीं है, आप कहीं बैठे से आपको सिर्फ मैं बॉटम केस देखता हूँ, कोई भी दुनिया का शहर ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान या दुनिया कहीं का भी, जहाँ पास जो है बॉटम से रिलेटेड पैथोलॉजी मौजूद ना हो, जहाँ पास जो है पाइल्स के मरीज ना मिले, आपको फिशर के मरीज ना मिले, आपको फिस्टुला के मरीज ना मिले, सिर्फ इन्हीं पे खाली इम्फेसिस कर ले, कोई सर्जरी ना करें तब भी आप जो है आगे चल के बढ़ सकते हैं, और मैं चाहता हूँ फ्यूचर में एक प्रोक्टोलॉजी पर भी पीजी स्टार्ट हो और एक डिपार्टमेंट सेपरेट किया जाए, ये भी एक मेरा आगे चल के मामला। ओके मतलब ये सवाल है सर, ये बस बता दे सर कि ये सर बीएमएस अप टू बीएमएस सर क्या क्या सर्जरी पॉसिबल है या नहीं है सर? क्या मतलब समझे नहीं बात। मतलब जो बीएमएस बस बीएमएस किया है अभी, वो एमएस नहीं किया है, तो क्या वो हाँ सर्जरी पॉसिबल है, कर सकता है कि? देखिए अप टू बीएमएस नॉट ऑथराइज, कोई भी सर्जरी नहीं कर सकता टेक्निकली, टेक्निकली वैसे आप करने को, आप कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन टेक्निकली आप ऑथराइज नहीं है। ओके सर, अब एक बात सर जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी के टाइम में पाइल्स फिस्टुला का बहुत ही पेशेंट होता है, तो पाइल्स फिस्टुला क्या यूनानी में आप लोग ट्रीट कर पाते हैं, इसका सर्जरी अच्छा सक्सेस हो पाता है या नहीं? मैंने आपको अभी बताया है कि हम यहाँ खाली ये नहीं, इवन हम हार्मोनिक्स भी करते हैं, नॉर्मल भी करते हैं, बैरॉन्स बेंडिंग भी करते हैं, डिपेंड करता है कि कैसी सर्जरी हो रही है, बैरॉन्स बेंडिंग भी है उसमें है, हेमरॉइडेक्टमी भी है उसके अंदर, डाइटोथेरेपी के जरिए भी ट्रीटमेंट है उसके अंदर, हार्मोनिक भी, ये सारी चीज हम यहाँ कर रहे हैं, और लेजर सर्जरी से कुछ वर्कशॉप भी हुई है इस पर, कैंपाइल्स पर और फ्यूचर पर, तो अभी तक तो सक्सेस रेट हमारे 100% है। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम थैंक यू सर, सलाम थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सर, एक बहुत क्वेश्चन करा था सर। हमारे लिए, इंशाल्लाह अब आप पूछ लेंगे बाद में या आप मैसेज करेंगे, सर का वक्त है चूंकि एक लिमिटेड वक्त टाइम होता है, सर ठीक है को सर, जाना है, सर ने शुक्रिया वक्त निकाला, इंशाल्लाह फिर जवाब देंगे इस चीज़ का।